नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कम्प्लीटली होम टैब के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स किया था कि उन्हें हर एक ऑप्शन के लिए अलग अलग वीडियोस देखनी पड़ती हैं, तो मैंने इस वीडियो के अंदर सभी होम टैब के ऑप्शंस के बारे में आपको बताया हुआ है। कम्प्लीटली होम के एक एक ऑप्शन के बारे में मैंने इसके अंदर क्लियर किया हुआ है, जैसे वो आपका फॉन्ट मेन्यू हो, चाहे वो आपका क्लिपबोर्ड मेन्यू हो, चाहे वो अलाइनमेंट हो, नंबर्स हो, स्टाइल हो, सेल्स हो या एडिटिंग हो। इन सभी ऑप्शन के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं उन सभी ऑप्शंस को मैंने इसके अंदर कवर किया है। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारा कट का, जो सीजर आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस ऑप्शन का यूज क्या होता है? इस ऑप्शन का यूज होता है आप किसी भी डेटा को वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एनुअल सैलरी को यहाँ से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको यहाँ से कट किया। कट करने के बाद मैं इसको अगर कहीं मूव करना चाहता हूँ तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा तो पेस्ट करते ही वो डेटा मेरा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा, यानी वो डेटा यहाँ से हट करके दूसरी जगह पहुंच जाएगा। ये होता है हमारा कट ऑप्शन का यूज। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर कॉपी का। कॉपी का यूज क्या होता है? कॉपी बेसिकली किसी भी डेटा को कॉपी करता है और सेम एज इट इज उस डेटा को किसी अनदर प्लेस पर पेस्ट कर देता है। तो मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए हमने नेम्स को सिलेक्ट किया, और यहाँ से नेम को सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको कर लिया यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद जिस भी प्लेस पर मुझे इसको पेस्ट करना है वहां पर क्लिक करने के बाद आप सिंपली पेस्ट पर क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे आपका ये डेटा यहाँ से मूव होकर के दूसरी जगह पर पेस्ट हो चुका है। यही था हमारा कॉपी का ऑप्शन। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने एक और डेटा है आपका कॉपी एज पिक्चर का। अब ये कॉपी एज पिक्चर क्या काम करता है? तो इस डेटा को हम वापस से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम इसे यूज करते हैं कॉपी एज पिक्चर। कॉपी एज पिक्चर यूज करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर सबसे पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एज शोन ऑन स्क्रीन, यानी ये जो डेटा है हमारा वो एक पिक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बिटमैप भी एक पिक्चर ही होती है, और पिक्चर हमारा ऑलरेडी जेपीजी फाइल होती है, ये एक तरीके से जेपीजी फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको उसको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने सबसे पहला ऑप्शन यूज किया हुआ है, और उसके बाद हम फॉर्मेट के अंदर भी पिक्चर का ऑप्शन यूज करेंगे, और उसके बाद कर देंगे सिंपली इसको ओके। ओके करने के बाद आपको पेस्ट का यूज करना पड़ेगा। पेस्ट का यूज करने के बाद आप देखेंगे आपका ये डेटा यहाँ पर पेस्ट हो चुका है, यानी कि ये एक पिक्चर बन चुकी है। इसको आप इजिली इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो दूसरा ऑप्शन है कॉपी के अंदर वो है बिटमैप का। बिटमैप को सिलेक्ट करके जैसे हम इसे ओके करेंगे और सिंपली पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे बिटमैप का भी जो वर्क था बिल्कुल डिक्टो कॉपी था, वो भी सेम यही काम कर रहा है। आप देखेंगे इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, यानी दोनों का ही काम सेम है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर की, तो फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है? तो फॉर्मेट पेंटर बेसिकली ये किसी भी स्टाइल को कॉपी कर लेता है, और कॉपी करने के बाद जिस भी डेटा पर हम इसे पेस्ट करेंगे वो उसको अपने जैसा बना देता है। तो मैं आपको इसको करके दिखाता हूं। आपको सिंपली करना क्या होगा, मान लीजिए हमने सैलरी पर क्लिक किया और यहां पर हमने फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर दिया। फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करने के बाद आप जैसे ही किसी अदर डेटा पर यहाँ पर क्लिक करेंगे होगा क्या, इसकी जो फॉर्मेटिंग थी वो दूसरे डेटा पर पेस्ट हो चुकी है। आप देखेंगे यहाँ पर सैलरी में जो बैकग्राउंड में कलर था वो कलर आप देखेंगे कमल के बैकग्राउंड में कलर आ चुका है। अगर यहाँ पर बोल्ड होता, इटैलिक होता या अंडरलाइन होता या जो भी फॉर्मेटिंग हमने इसके अंदर कर रखी होती वो सारा का सारा फॉर्मेट यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसको पेस्ट कर देता। तो ये था हमारा कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर। अब हम बात करते हैं पेस्ट के सभी ऑप्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम इन डेटास को यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। अब हम बाकी पेस्ट के सभी ऑप्शंस की बात करते हैं। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा कि पेस्ट के सभी ऑप्शन तभी काम करते हैं जब आप एक बार कॉपी का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कॉपी का यूज करते हैं। कॉपी का यूज करने के बाद अब हम अनदर प्लेस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर चले जाते हैं पेस्ट वाले ऑप्शंस पर। अब पेस्ट के ऑप्शंस पर अगर आप देखेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इन सभी ऑप्शंस का यूज मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि एक एक ऑप्शन का यूज क्या होता है, और ये बहुत ही बेहतरीन फंक्शंस है। मोस्टली लोगों को कट कॉपी पेस्ट ही आता है। इसके अंदर जितने फंक्शंस है अगर आप इसका यूज करते हैं अपने ऑफिस के अंदर तो आप एक स्मार्टनेस वर्क करेंगे। तो चलिए हम एक एक करके पेस्ट के सभी ऑप्शन का यूज देखते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है पेस्ट का। सबसे पहले हम सेल्स में यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं कॉपी करने के बाद, और पेस्ट में जाने के बाद यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन यूज करते हैं, ये वाला पेस्ट वाला। अब ये पेस्ट सिंपल क्या काम करता है, ये पेस्ट हमारे डेटा को एज इट इज कॉपी करके अनदर प्लेस पर पेस्ट कर देता है। यहाँ देखेंगे हमारा डेटा यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। इसको अगर मैं यहाँ पर सेल्स को इंक्रीज या डिक्रीज करूँ यानी एडजस्ट करूँ तो सेम एज इट इज डेटा हमारा यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। तो ये तो एक सिंपल फॉर्मेट था जो हर किसी को आता है। इसके बाद के ऑप्शन बहुत ही कमाल के ऑप्शन हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसके बाद सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या काम करता है।
उसके लिए हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, इस डेटा को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला यूज किया हुआ है मल्टीप्लाई का, तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम डेटा को पूरा सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से चले जाते हैं पेस्ट वाले ऑप्शन पर। पेस्ट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद सेकेंड ऑप्शन हम यूज करेंगे फॉर्मूला का। फॉर्मूला का सेकेंड ऑप्शन यूज करते ही यहाँ पर होगा क्या, आप देखेंगे यहाँ पर जितना भी हमने फॉर्मूला जो लगाया था, यानी जो हमने इनटू का फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया हुआ है एनुअल सैलरी के लिए, वो फॉर्मूला सब में पेस्ट हो चुका है। यानी हम किसी फॉर्मूला को एक प्लेस से अनदर प्लेस पर पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको डायरेक्टली करना चाहें तो कंट्रोल डी करके भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला का जो यूज है वो बेसिकली क्या काम कर रहा है, वो किसी वैल्यू को पेस्ट नहीं कर रहा है, वो किसी फॉर्मूला को पेस्ट कर रहा है। के बाद का जो ऑप्शन है हमारा वो फॉर्मूला एंड नंबरिंग फॉर्मेटिंग का है। यानी फॉर्मूला एंड नंबरिंग फॉर्मेटिंग क्या काम करेगा, इसके लिए भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। डेटा को वापस से हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कॉपी का यूज करेंगे। कॉपी का यूज करने के बाद अनदर प्लेस पर क्लिक करेंगे। अनदर प्लेस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ से तीसरा ऑप्शन हम लोग सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे जब हमने तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया तो यहाँ पर हमारी जो नंबरिंग फॉर्मेटिंग थी वो एक्यूरेट पोजीशन में कन्वर्ट हो गई है। यानी कि जो हमारी नंबरिंग फॉर्मेटिंग थी वो आप देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट वही आ रही है जो कि हमारे पहली वाली टेबल के अंदर थी। यानी जो पहले वाला ऑप्शन हमने यूज किया था उसके अंदर नंबर फॉर्मेटिंग नहीं था, यहाँ पर देखेंगे नंबर फॉर्मेटिंग भी आ गई है, लेकिन फॉर्मेट को इसने वापस से क्लियर कर दिया है। तो यही था डिफरेंस हमारा। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। हम डेटा को फिर से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से कंट्रोल सी करके कॉपी करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर मैं आपको लास्ट में एक ऑप्शन जरूर बताऊंगा पेस्ट स्पेशल का। ये बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है जिसको यूज करने के बाद आप कहेंगे वाओ। तो चलिए पहले हम इन सभी ऑप्शंस को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद मैं लास्ट में आपको पेस्ट स्पेशल के बारे में बताऊंगा। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद जो आप नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी के, इसकी जो शॉर्टकट की है वो के है। आप देखेंगे यहाँ पर जिस भी ऑप्शन पर हम क्लिक कर रहे हैं उसके ऑप्शन के आगे हमारी शॉर्टकट की रिप्रेजेंट हो रही है। एक्चुअल में ये शॉर्टकट की हॉटकी कहलाई जाती है और इस हॉटकी का यूज कैसे किया जाता है मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ। अगर आप माउस का यूज नहीं करना चाहते और अपने कीबोर्ड से इन ऑप्शंस का यूज करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑल्ट की। ऑल्ट की प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ देखेंगे जितने भी ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहे हैं ये सारी हॉटकीज हैं। यानी इनमें से अगर हमें होम टैब ओपन करना है तो होम टैब के लिए हमें यहाँ प्रेस करना होगा एच। तो हम जैसे ही यहाँ पर ऑल्ट दबा करके एच प्रेस करेंगे, एच प्रेस करते ही हमारे सामने हॉटकीज सारी की सारी ओपन हो जाएंगी। अब जिस भी ऑप्शंस को हमें ओपन करना होगा उस ऑप्शन की हमें हॉटकी यूज करनी होगी। तो हमें ऑप्शन यूज करना है पेस्ट का, तो पेस्ट के अंदर आप देखेंगे वी हमारी इसकी शॉर्टकट की है। तो इसके लिए हम यहाँ पर वी का यूज करेंगे, यानी ऑल्ट एच वी का यूज करेंगे। वी का यूज करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर इन सभी की हॉटकीज यहाँ पर शो हो चुकी है। यानी इनमें से जो भी वर्ड आप दबाएंगे, जो भी वर्ड आप प्रेस करेंगे वो आपका ऑप्शन यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो ये हमारी बेसिकली हॉटकीज होती हैं जिनका यूज हम अपने कीबोर्ड से कर सकते हैं। बिना माउस का यूज किए बिना हम इन सभी ऑप्शंस का यूज भी कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से। तो चलिए ये तो एक एक्सटर्नल ऑप्शन था, ये तो एक एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। हम बाकी का चैप्टर कंप्लीट करते हैं, बाकी के जो भी ऑप्शंस हैं उनको कंप्लीट करते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी इसकी शॉर्टकट की हमने बताई के है। तो ये जो काम करता है वो बिल्कुल एक्यूरेट पेस्ट वाला काम करता है। इसमें और हमारे पेस्ट वाले ऑप्शन में कोई भी खास डिफरेंस नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। हम डेटा को फिर से कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद अनदर प्लेस पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है नो बॉर्डर का। अगर हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो डेटा पेस्ट हुआ है वो विदाउट बॉर्डर पेस्ट हुआ है। हमने जो पहली टेबल बनाई थी उसके अंदर हमने इसको बॉर्डर में बंद कर रखा है और यहाँ पर अगर हम देखेंगे वो डेटा हमारा पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट हो चुका है, लेकिन विदाउट बॉर्डर, इसने बॉर्डर को रिमूव कर दिया है। तो इस ऑप्शन का यूज किया था, ये बॉर्डर को रिमूव करता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। हमने डेटा को पहले से ही कॉपी करके रखा है, अनदर प्लेस पर हम क्लिक करके रखते हैं और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर आप देखेंगे कीप सोर्स कॉलम विथ फॉर्मेटिंग, यानी कि एक तरीके से जब हमने इसको सिलेक्ट किया यानी इसको हमने कॉपी करके पेस्ट किया तो एज इट इज डेटा को यह कॉपी करके पेस्ट करता है, लेकिन इसमें एक फायदा हमारा और हो जाता है। इसका हमारा ये जो फायदा हो जाता है वो ये हो जाता है कि इसकी जो विथ होती है वो ऑटोमेटिकली इसको मैनेज कर लेता है। अभी तक हमने जितने भी कॉपी पेस्ट के ऑप्शन यूज किए थे उसके अंदर हुआ क्या था, हमारे डेटा कॉपी करके पेस्ट तो हुआ था लेकिन उसकी जो विथ थी वो हमें खुद से बढ़ानी पड़ती थी। लेकिन यहां पर आप देखेंगे वो विथ को ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेगा और मैनेज करने के बाद हमारा डेटा सेम एज इट इज अनदर प्लेस पर
पेस्ट कर देगा। तो इस ऑप्शन का यूज क्या था? इस ऑप्शन का यूज था किसी भी डेटा को कॉपी करके हम अनदर प्लेस पर जब पेस्ट करेंगे तो पेस्ट करने के बाद हमारी जो कॉलम की विथ होती है वो इसे उसको ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेगा। तो ये था हमारा नेक्स्ट ऑप्शन। इसके बाद कंट्रोल जेड करके हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर आप देखेंगे आपका जो ऑप्शन है आपका वो है ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज क्या काम कर रहा है? ये ट्रांसपोज हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में कन्वर्ट करता है और वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर देता है। अब ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल किस लिए यूज किया जाता है? देखिए, जो भी डेटा हम तैयार करते हैं वो या तो डेटा हॉरिजॉन्टली होता है या तो डेटा हमारा वर्टिकल होता है। यानी एच लुकअप और वी लुकअप आपने फंक्शन जरूर यूज किया होगा। अगर हमारा डेटा वर्टिकल होता है तो उसके ऊपर हम वी लुकअप का फंक्शन यूज करते हैं, और अगर हमारा डेटा हॉरिजॉन्टल होता है तो हम उसके ऊपर एच लुकअप का यूज करते हैं। इसकी वीडियोज मैंने पहले बना रखी है, आप लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियोज को यहां से देख सकते हैं। ये भी एमएस एक्सेल का एक पावरफुल फॉर्मूला है जो कि आपको आना चाहिए। बिना एच लुकअप और वी लुकअप के आप एमएस एक्सेल के बारे में पूरी तरीके से नहीं जान सकते, क्योंकि एच लुकअप और वी लुकअप बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है एमएस एक्सेल का, जो हर एक कंपनी के लिए यूजफुल है और हर एक कंपनी इसको यूज करती है। तो चलिए, ये तो था हमारा डेटा। आप देखेंगे यहां पर इसने क्या किया, इस डेटा को हमने कॉपी किया और अनदर प्लेस पर जैसे ही पेस्ट किया तो ये हमारा जो डेटा था अभी वर्टिकल में था, उसने इसको क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर दिया। आपको दिखा देता हूं, यहां पर आप देखेंगे सीरियल नंबर आपका यहां पर है और नेम आपका यहां पर है। तो यहां पर आप देखेंगे वर्टिकली है हमारा जो भी इन्फॉर्मेशन है, और यहां पर आप देखेंगे सीरियल नंबर और नेम हमारा हॉरिजॉन्टली आ गया। इसी तरीके से अगर आपके पास जो डेटा है अगर वो हॉरिजॉन्टल है और आप इसे वर्टिकल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको सेम इसको कॉपी करना होगा और अनदर प्लेस पर क्लिक करने के बाद जहां भी आप इसको ट्रांसपोज करना चाहते हैं वहां पर जाकर के आप इसे ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसे ट्रांसपोज करेंगे तो आप देखेंगे हमारा ये जो डेटा था हॉरिजॉन्टल था इसको वर्टिकल में इसने कन्वर्ट कर दिया। तो था बहुत बेहतरीन फंक्शन। तो ये किसी भी डेटा को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल या वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाने वाला फंक्शन है ट्रांसपोज। तो चलिए, इन ऑप्शंस का हमने बेहतरीन तरीके से यूज सीख लिया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इस डेटा को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पेस्ट वैल्यू की। तो पेस्ट वैल्यू बेसिकली क्या काम करता है? पेस्ट वैल्यू हमारा डेटा को पेस्ट करता है और एज इट इज डेटा को हमारे पेस्ट कर देगा, लेकिन इसमें से फॉर्मूला को वो क्लियर कर देगा। फॉर्मूला क्लियर करने का मतलब ये कि आप देखेंगे एनुअल सैलरी के अंदर हमने फॉर्मूला यहाँ पर लगाया हुआ है इनटू का, यहाँ पर आप देखेंगे एनुअल सैलरी के अंदर कोई भी फॉर्मूला हमारा शो अप नहीं हो रहा है। इसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ बोनस के अंदर 3% 2% हमारा जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर आप देखेंगे हमने फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो यानी कहने का सीधा मतलब ये हुआ, इसने क्या किया, इसने इस डेटा के जितने भी फॉर्मूले थे उन सभी फॉर्मूलाज को रिमूव करके उसे एक सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। तो ये था हमारा सिंपल यूज पेस्ट वैल्यू का। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है मैं उसे आपको यूज करके दिखा देता हूँ। डेटा को हमने फिर से सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद हमें कॉपी का यूज करना है। कॉपी का यूज करने के बाद अनदर प्लेस पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो नाम है वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग। यानी ये क्या काम करेगा, वैल्यू में तो कन्वर्ट करेगा साथ के साथ नंबर फॉर्मेटिंग को भी ये मैनेज करेगा। आप यहाँ पर देखेंगे जो भी हमारी नंबर की फॉर्मेटिंग थी एज इट इज वही नंबर की फॉर्मेटिंग यहाँ पर इसकी शो अप हो रही है, और साथ के साथ इसने क्या किया है, फॉर्मूला को भी क्लियर कर दिया है। आप देखेंगे इसके अंदर कोई जो हमने फॉर्मूला मल्टीप्लाई का यूज किया था उस फॉर्मूला को इसने यहाँ से क्लियर कर रखा है। तो ये था हमारा नंबर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हम उसको यूज करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद आपको करना क्या है, वापस से कॉपी करना है, अनदर प्लेस पर क्लिक करना है और यहाँ जाना है वापस से नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। यहाँ पर आप देखेंगे आपका ऑप्शन है वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। अब ये वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग क्या काम कर रहा है, ये वैल्यू में तो कन्वर्ट कर ही रहा है लेकिन साथ के साथ इसकी सोर्स फॉर्मेटिंग भी ले ले रहा है। यानी इसके अंदर आप देखेंगे हमने जो भी फॉर्मेट का यूज किया हुआ है वो फॉर्मेट यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसने मैनेज कर दिया और साथ के साथ इसको वैल्यू में भी कन्वर्ट कर रखा है। यानी इसके जितने भी आप तीनों ऑप्शंस का अगर आप यूज करेंगे तो इन तीनों ही ऑप्शंस का यूज है कि ये डेटा को वैल्यू में कन्वर्ट करेगा, यानी फॉर्मूला को रिमूव करेगा। एक ऑप्शन है आपका जो कि नंबर फॉर्मेटिंग को मैनेज करता है और दूसरा जो ऑप्शन था वो आपके फॉर्मेटिंग को भी मैनेज करता है, यानी कलर्स स्टाइल फॉन्ट स्टाइल्स इन सभी को भी मैनेज करता है। मैनेज करने के बाद उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। तो ये तीनों ऑप्शंस का यूज आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस डेटा को यहाँ से वापस से क्लियर कर लेते हैं। डेटा को हमें सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद हमने कॉपी करना है और इसके बाद हम यूज करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन। यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्मेटिंग यानी कि
जब भी हम किसी डेटा को कॉपी करके फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे तो होगा क्या, वो उस डेटा की वैल्यू को छोड़ करके उसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करके पेस्ट कर देगा। अब आप देखेंगे इसका जो भी फॉर्मेट था वो यहाँ पर पेस्ट हो चुका है, इसका बॉर्डर भी आ चुका है, इसके कलर का फॉर्मेट भी आ चुका है, और यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो डेटा था वो एज इट इज यहाँ पर ऐसे का ऐसा ही पड़ा हुआ है। अब आप अगर चाहते हैं कि आपका जो डेटा है उस डेटा की फॉर्मेटिंग आप किसी और डेटा में करना चाहते हैं तो आपको सिंपल इस ऑप्शन का यूज करना होगा। आप इस ऑप्शन की मदद से अपने डेटा की फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं और किसी अदर शीट के लिए इसको यूज कर सकते हैं, तो ये बहुत ही कमाल का फंक्शन है। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है पेस्ट लिंक। तो पेस्ट लिंक बहुत ही कमाल का फंक्शन है। पेस्ट लिंक आखिर में करता क्या है, तो पेस्ट लिंक एक तरीके से लिंक जनरेट कर देता है उस टेबल से इस टेबल के बीच में। यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर अगर हम कोई भी फॉर्मेट को चेंज करेंगे, यहाँ पर हमने मैनेजर की जगह अकाउंटेंट ले लिया, तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली अकाउंटेंट चेंज हो गया। यानी इस डेटा के सोर्स में से हम जिस भी डेटा को चेंज करेंगे वहां पर वो डेटा ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। यहाँ पर आप वैल्यू चेंज करके दिखा देता हूँ आपको, 18,000 की जगह मैंने यहाँ ले लिया 12,000। 12,000 लेने के बाद जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा आप देखेंगे यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो। यानी आपने एक डेटा को दूसरे डेटा से लिंक कर रखा है, आप ओरिजिनल डेटा के अंदर जो भी चेंजेस करेंगे, आपने जो कॉपी किया हुआ डेटा होता है उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली चेंज होता चला जाता है। तो ये बहुत ही कमाल का फंक्शन है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। इसको फिलहाल हम कंट्रोल जेड करके यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के बाद आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, वो है पेस्ट एज पिक्चर। अब ये क्या काम करता है, ये बेसिकली हमारे डेटा को एक पिक्चर में कन्वर्ट कर देता है। आप देखेंगे इस पिक्चर को आप इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं, और इंक्रीज या डिक्रीज करने के बाद इसको उठा करके कहीं पर भी मैनेज कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप चेंजेस करने की कोशिश करेंगे तो चेंजेस नहीं हो पाएगी। आपने अगर इसके अंदर किसी भी डेटा के अंदर चेंजेस किया तो इसमें आप वापस से इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, आपको वापस से कॉपी करके पेस्ट पिक्चर करना होगा। अभी ऑप्शन करता क्या है, आपके डेटा को एक पिक्चर में कन्वर्ट कर देता है। इस डेटा के ऊपर डबल क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन खुल जाएगा पिक्चर स्टाइल्स का। यहाँ से आप जाकर के कोई भी स्टाइल इसके अंदर यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे बेहतरीन स्टाइल्स हैं जिनका आप यूज करके अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट करने के बाद अब इस डेटा में आप चेंजेस नहीं कर सकते, इस डेटा को एज इट इज एक फॉर्मेट के तौर पर आप इसे यूज कर सकते हैं। तो है बहुत कमाल का फंक्शन। यानी इसने भी आपके डेटा को क्या किया, एक पिक्चर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके अलावा हम एक ऑप्शन का और यूज मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आपको ज्यादा पसंद आएगा। हमने डेटा को वापस से कॉपी करना है, अनदर प्लेस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो पेस्ट पिक्चर लिंक है, यानी लिंक्ड पिक्चर है। अब इसका क्या यूज है, अभी लिंक का क्या काम है, लिंक का काम आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये क्या काम करेगा। अगर नहीं आया है तो मैं आपको बता देता हूं कि ये बेसिकली क्या काम करेगा। पिक्चर में तो ये कन्वर्ट रहेगा, लेकिन इसके अंदर चेंजेस की जा सकती है, लेकिन आप इसके अंदर डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, जब भी आप किसी ओरिजिनल डेटा के अंदर चेंजेस करेंगे, यहां देखेंगे आपकी पिक्चर के अंदर ऑटोमेटिकली वो चेंजेस हो जाएगी। यानी अब इस पिक्चर के अंदर अगर आपको चेंज करना है तो आपको अपने ओरिजिनल डेटा के अंदर से यहाँ पे मैनेज करना, यानी आप अपने ओरिजिनल सोर्स पर जो भी चेंजेस करेंगे इस पिक्चर के अंदर ऑटोमेटिकली वो चेंजेस हो जाएगी। और तो इसके अलावा अगर आप इस पे डबल क्लिक करके पिक्चर टूल लेकर के इसके ऊपर भी फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरीके से आप इसको भी मैनेज कर सकते हैं। और मैनेज करने के बाद अब इस डेटा को आप यूज कर सकते हैं, जो भी आप डेटा में चेंजेस करेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो डेटा मैनेज होता चला जाएगा। तो ये तो थे हमारे सारे पेस्ट के सभी ऑप्शंस। अब बात करते हैं सबसे बेहतरीन और सबसे वैल्यूबल ऑप्शन की, यानी पेस्ट स्पेशल की। अब ये पेस्ट स्पेशल क्या है, यानी इस पेस्ट में स्पेशल क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये पेस्ट में स्पेशल क्या है। नेक्स्ट शीट पर आप देखेंगे हमने पहले से ही कुछ डेटा तैयार किया हुआ है। इस डेटा के अंदर आप देखेंगे हमने कुछ नाम यहाँ पर भी लिखे हुए हैं और कुछ नाम हमने यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हमने बीच में कुछ ब्लैंक सेल्स छोड़े हुए हैं। अब इन ब्लैंक सेल्स का होना क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस डेटा को यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी के बाद सिंपली इसके ऊपर मैं इसे पेस्ट कर देता हूं, तो पेस्ट करने से होता क्या है कि हमारे जो ब्लैंक सेल है ये भी यहां पर पेस्ट हो जाता है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि इस डेटा को जब भी मैं कॉपी करूं और इसके ऊपर पेस्ट करूं, हमारा जो मोहन है मोहन की जगह पर यहां पर पंकज आ जाना चाहिए, यानी नाम रिप्लेस हो जाना चाहिए, और यहां पर आदित्य की जगह पर यहां पर नमन आ जाना चाहिए, पवन की जगह पर यहां पर करण आ जाना चाहिए, और बाकी ये जो दो नाम है ये दो नाम यहां पर एज इट इज होने चाहिए, यानी इनकी रिप्लेसमेंट ना हो क्योंकि इनकी जगह पर ब्लैंक सेल्स हैं। तो ये काम हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये काम हम लोग करेंगे पेस्ट स्पेशल से।
तो डेटा को हम लोग सेलेक्ट कर चुके हैं, कॉपी इसकी कर चुके हैं और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जाना होगा नेक्स्ट ऑप्शन पर, यहाँ पर जाना होगा आपको पेस्ट वाले ऑप्शन पर और पेस्ट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा पेस्ट स्पेशल का। तो पेस्ट स्पेशल पर आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आप देखेंगे आपके पेस्ट के कुछ सेटिंग्स हैं जो आपके सामने दिखाई दे रही हैं, जिसमें हम इस फॉर्मेटिंग को किस जगह पर यूज करना चाहते हैं, किन किन जगह पर यूज करना चाहते हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे ऑल, ऑल यानी कि फॉर्मूला, यानी आप फॉर्मूला पर भी इसको अप्लाई करना चाहते हैं, वैल्यू के ऊपर भी अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर्मेट के ऊपर भी अप्लाई करना चाहते हैं, कमेंट्स के ऊपर भी अप्लाई करना चाहते हैं और वैलिडेशन के ऊपर भी आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आता है ऑपरेशंस का। अब ये ऑपरेशन वाला ऑप्शन किस लिए यूज किया जाता है तो इसको मैं अभी करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं ये स्किप वाला ऑप्शन आपको करके दिखाता हूँ, स्किप ब्लैंक वाला जो मैंने आपको अभी बताया। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा और सिंपली यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना होगा। ओके करने के बाद होगा क्या मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने सिंपली स्किप वाले ऑप्शन पर क्लिक किया और यहाँ पर जाकर के हमने डेटा को सिलेक्ट करके ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो डेटा था वो रिप्लेस हो चुका है। आप देखेंगे पंकज, यहाँ पर पंकज आ गया और यहाँ पर आप देखेंगे कमल, दीपक जो कि ब्लैंक सेल था वो यहाँ पर शो हो गया और नमन की जगह पर और करण की जगह पर ये रिप्लेसमेंट हो चुकी है। ये था हमारा स्किप ब्लैंक फंक्शन। अब इसके बाद हम देखते हैं ऑपरेशंस के अंदर, अब ऑपरेशंस का क्या क्या यूज है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ ऑपरेशंस का क्या यूज है। यहाँ पर आप देखेंगे हमने कुछ टेबल बनाई हुई है जिसके अंदर हमने कुछ सीरियल नंबर लिए हुए हैं, स्टूडेंट्स के नेम लिए हुए हैं और यहाँ पर हमने कुछ हिंदी के मार्क्स लिए हुए हैं, इंग्लिश के मार्क्स लिए हुए हैं, पॉलिटिकल और हिस्ट्री के मार्क्स लिए हुए हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमने ग्रेस देनी है इन सभी बंदों को, जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स को मैं ग्रेस देना चाहता हूँ 10 नंबर का। तो ये आप किस तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए आपको करना क्या होगा, ग्रेस वाले ऑप्शन को एक बार कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद आपको सभी सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना होगा जिस जिसको आप ग्रेस देना चाहते हैं, उन सभी को सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना होगा पेस्ट वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट स्पेशल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको लेना होगा ऐड वाला ऑप्शन। आप क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक करके इन सभी ऑप्शंस का यूज करके दिखा देता हूं। सबसे पहले हम यूज करेंगे ऐड वाला ऑप्शन, तो हम यहां पर ऐड पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहां पर हमारी वैल्यूज ऐड हो चुकी हैं। पहले मैं आपको कंट्रोल जेड करके दिखा देता हूं। पहले आप देखेंगे यहां पर हमारी 65 है, 72 है, 87 है और जब 10-10 नंबर इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो ये वैल्यूज हमारी इंक्रीज हो जाएंगी। तो मैं इसको एक बार वापस से आपको करके दिखाता हूँ। पेस्ट वाले ऑप्शन पर जाइए, यहाँ पर सिलेक्ट करिए पेस्ट स्पेशल, यहाँ से ऐड को सिलेक्ट करिए और कर दीजिए ओके। आप देखेंगे यहाँ 65 की जगह 75 हो गया, तो यानी कि हमने 10 नंबर की क्रेस यहाँ पर ऐड कर दी है। आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन हमारा सब्सट्रैक का, यानी आप 10-10 नंबर डिक्रीज करना चाहते हैं, यानी माइनस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर सब्सट्रैक्ट का यूज करिए, सब्सट्रैक्ट पर क्लिक करिए और सिंपल ओके कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 75 की जगह वापस है 65 हो गया, 72 हो गया, 87 हो गया, 10 नंबर यहाँ पर माइनस हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर आप इसे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वापस से पेस्ट स्पेशल पर जाइए और यहाँ पर आप यूज करिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को सिलेक्ट करके ओके करिए। यहाँ देखेंगे आपकी वो वैल्यूज 10 से मल्टीप्लाई हो चुकी हैं। इसके बाद एक डिवाइड का ऑप्शन है, इसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ से चले जाइए डिवाइड वाले ऑप्शन पर और जैसे ही आप इसे ओके करेंगे ये वापस से डिवाइड, आप किसी भी डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे इस वाले ऑप्शन पर, इस ऑप्शन पर जाने के बाद आप देखेंगे आपके सामने बहुत सारे स्टाइल दिखाई देंगे, आप इनमें से कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने डेटा को किसी भी स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी किसी भी फॉन्ट स्टाइल के अंदर आप इसे रख सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो बेसिकली फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करता है। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, आपका जो डेटा होता है इसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। बाय डिफॉल्ट इसका जो साइज होता है वो 11 होता है और यही काम आप यहां से भी कर सकते हैं। अगर आप यहां पर वन टाइम वन बाय वन क्लिक करेंगे तो यहां से भी आपका साइज इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर बी की, तो बी का मतलब है बोल्ड। आप किसी भी डेटा को सिलेक्ट करके उसे बोल्ड करके हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे हमने किया इसको बोल्ड, ये देखिए बोल्ड करके हाईलाइट हो रहा है हमारा। इसके बाद अगर आप चाहें तो इसे हल्का सा इटैलिक भी कर सकते हैं, यानी इसे हल्का सा तिरछा भी कर सकते हैं और उसके बाद अगर आप चाहें तो इसके नीचे अंडरलाइन का भी यूज कर सकते हैं। अब अंडरलाइन के अंदर एक ऑप्शन और होता है हमारा डबल अंडरलाइन का। आप देखेंगे यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक सिंगल अंडरलाइन और दूसरी डबल अंडरलाइन। अगर आप डबल अंडरलाइन का यूज करते हैं तो इसके नीचे आप देखेंगे आपके पास डबल अंडरलाइंस यहाँ पर शो हो जाती हैं। तो ये था हमारा अंडरलाइंस देने के लिए। अंडरलाइंस को हटाना है तो वापस आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, बोल्ड को हटाना है तो वापस आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, आपका बोल्ड भी हट जाएगा और अंडरलाइन भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं बॉर्डर्स की, तो आप देखेंगे हमने पहले से ही डेटा में बॉर्डर बनाया हुआ है। अगर हम सिंपल एक कोई नया डेटा फ्रेशली टाइप करते हैं और उसके बाद इसमें अगर हम बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करके
आप चले जाइए बॉर्डर वाले ऑप्शन पर। अब आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे बॉर्डर्स दिखाई दे रहे हैं जिसमें कि आपके सामने ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन है बॉटम बॉर्डर, यानी इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये नीचे की तरफ आपके सामने एक बॉर्डर दे देगा। इसी तरीके से इसमें बहुत सारे बॉर्डर्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑल बॉर्डर करेंगे तो आपका जितना भी डेटा होगा वो ऑल बॉर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक और ऑप्शन है ड्रॉ बॉर्डर का। इस पर क्लिक करके आप अपने हिसाब से बॉर्डर को ड्रॉ भी कर सकते हैं, जिस तरीके का आपको बॉर्डर चाहिए उस तरीके का बॉर्डर आप यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप बात करें यहाँ पर इरेजर की, तो आप चाहें तो इस बॉर्डर को यहाँ से इरेज भी कर सकते हैं इरेजर के थ्रू। और इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड्स की, तो यहाँ पर जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये ग्रिड्स में कन्वर्ट होगा। इस तरीके से आप बॉर्डर को ग्रिडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए एक साथ आप चाहें तो बहुत सारे बॉर्डर्स को ग्रिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर, एक एक करके आप इन्हें चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा आप यहाँ से बॉर्डर के कलर्स को चेंज कर सकते हैं। जब भी आप ग्रिड्स यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो बॉर्डर का कलर है वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर लाइन के फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, किस तरीके से आप इसकी लाइनिंग फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। डॉटेड्स में अगर आपको बॉर्डर चाहिए तो यहाँ पर आप ड्रैग करके इसको डॉटेड में बॉर्डर्स ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं, जैसे हम बात करें मोर बॉर्डर्स की, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको बॉर्डर की पूरी सेटिंग्स आपको दिखाई दे जाएगी। अगर आपको टॉप का बॉर्डर नहीं चाहिए तो यहाँ से टिक को हटा सकते हैं। बॉटम का बॉर्डर नहीं चाहिए तो बॉटम के टिक को हटा सकते हैं। यहाँ से जिसमें जिस साइड का आपको बॉर्डर नहीं चाहिए वो बॉर्डर यहाँ से हटा सकते हैं और इसे ओके कर सकते हैं। तो ये था हमारा बॉर्डर का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम बात करते हैं बैकग्राउंड कलर की। अगर आपने किसी डेटा को सिलेक्ट किया हुआ है और उसके बैकग्राउंड में आप कलर से उसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, जिस भी कलर से आप इसे हाईलाइट करना चाहें। अगर आप उसके टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करके इसके टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। आप देखेंगे आपके फॉन्ट का जो कलर है वो रेड कलर हो गया। तो ये था हमारा फॉन्ट मेन्यू। उसके बाद अगर हम बात करें अलाइनमेंट मेन्यू की, तो अलाइनमेंट बेसिकली क्या काम करता है? अलाइनमेंट हमारा काम करता है डेटा को अलाइन करने के लिए। जैसे हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन की, तो यहाँ पर अगर देखेंगे आपने टॉप का यूज़ किया है तो हमारा डेटा टॉप पे पहुँच गया है। अगर हम सेंटर का यूज़ करेंगे तो हमारा डेटा सेंटर में आ जाएगा, और अगर हम बॉटम का यूज़ करेंगे तो हमारा डेटा बॉटम में शो अप हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे और भी बहुत सारे स्टाइल्स एंगल्स फॉर्मेट्स हैं, इनमें से आप कोई भी एंगल यूज़ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल चाहे वर्टिकल चाहे, या फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप देखेंगे आपके सामने एक वॉच टाइप की बनी हुई आएगी। इस वॉच के अंदर आप जिस भी एंगल पे कन्वर्ट करना चाहें अपने डेटा को, उस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इस तरीके से आपका डेटा मैनेज हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें इसके अलाइन की, तो यहाँ पर आप चाहें तो लेफ्ट कर सकते हैं इसको, सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, आप इसे अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। देखिए आराम आराम से लेफ्ट साइड में ले जा सकते हैं, राइट में ले जा सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसे जहाँ रखना चाहें वहाँ पर इसे अलाइनमेंट्स कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग टेक्स्ट रैप की, यानी रैप टेक्स्ट की। तो ये रैप टेक्स्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने किसी सेल में बहुत ही बड़ा डेटा लिखा हुआ है, अब होता क्या है कि ये मैनेज नहीं हो पा रहा है, आपके आपका जो सेल है वो छोटा पड़ रहा है और डेटा आपका ज़्यादा बड़ा है, तो इसके लिए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट रैप को। टेक्स्ट रैप पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट इसकी हाइट को इंक्रीज करेगा, ना कि इसकी विथ को। यानी यहाँ से आप चाहें तो इसकी हाइट के अकॉर्डिंग डेटा को मैनेज कर सकते हैं, विथ को बिना इंक्रीज या डिक्रीज किए बिना। तो ये हमारा टेक्स्ट रैप का काम है। टेक्स्ट रैपिंग से आप अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं उसकी विथ को, उसकी हाइट को इंक्रीज करके। इसके बाद अगर हम बात करें मर्ज एंड सेंटर की, तो ये बेसिकली क्या काम करता है? ये दो सेल्स को आपस में मर्ज करता है। दो से अधिक भी सेल अगर आप ले लेते हैं तो इन सभी सेल्स को आपस में क्या करेगा? मर्ज कर देगा, यानी इनको एक सेल बना देगा, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। इस पर क्लिक करने के बाद अगर हम कुछ भी यहाँ पर टाइप करेंगे तो एक तो ये मर्ज हुआ ही हुआ, साथ के साथ ये हमें सेंटर में भी लिखने की परमिशन दे देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है मर्ज एरोज। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है मर्ज एरोज, तो मर्ज एरोज क्या करेगा आपका? जैसे हम मर्ज एरोज पर क्लिक करेंगे तो इससे होगा क्या, हमारा जो एरोज है वो मर्ज हो गया, यानी कि जो हमारी ये, यानी जो हमारी ये कॉलम वाली लाइन थी, इसने इसको क्या किया, फिनिश कर दिया, इसने इसको यहाँ से खत्म कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ से इसकी जो कॉलम की विड्थ थी वो यहाँ से खत्म हो चुकी है, यानी हम इसके अंदर कोई पार्टिकुलर दोनों में डेटा टाइप कर सकते हैं, यानी डबल सेल को इसने क्या किया है, मर्ज कर दिया है आपस में। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, इसके बाद अगर हम बात करें मर्ज सेल्स की, तो मर्ज सेल्स बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है? मर्ज सेल यूज़ होता है जैसे हमने 10 सेल्स को सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ से, और जैसे हम मर्ज पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा हमारा मर्ज हो जाएगा। मर्ज होने के बाद अगर हम यहाँ पर टाइप करना शुरू करेंगे तो बेसिकली ये हमारे लेफ्ट में टाइप होगा, ना कि राइट में। और पहला वाला क्या था हमारा? पहला वाला सेंटर में टाइप हो रहा था, यानी मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन जो था हमारा वो मर्ज और सेंटर का ऑप्शन था। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर अनमर्ज की, तो अगर आपने जो डेटा बनाया हुआ है इसको आप चाहते हैं ये अनमर्ज हो जाए, तो यहाँ से जाकर के इसे अनमर्ज कर दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा? अनमर्ज हो जाएगा, यानी जो आपका सेल पहले था वैसे ही उसी फॉर्मेट में ये वापस से आपको रिप्रेजेंट होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा अलाइनमेंट्स का पार्ट था। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर नंबरिंग के पार्ट की, तो यहाँ पर आप देखेंगे नंबर्स के अंदर कुछ सेटिंग्स हैं जिसका यूज़ मैं आपको अपने डेटाबेस पे दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे हमने कुछ डेटा को सिलेक्ट किया,
सेलेक्ट करने के बाद जनरल ऑल ऑप्शन को हमने यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से हम ले लेते हैं नंबर्स। तो नंबर लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर 0.00 में आपका ये डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर करेंसी की, तो अगर हम यहाँ पर करेंसी का यूज़ करते हैं तो करेंसी से होगा क्या, हमारा जो भी डेटा था वो करेंसी में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा करेंसी के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक करेंसी का सिंबल और शो हो रहा है आपके सामने, जिसके अलावा आप यहाँ से भी इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास यूनाइटेड स्टेट करेंसी, यूनाइटेड किंगडम की आपके पास करेंसी है, यूरो की करेंसी है, चाइनीज करेंसी है और भी फ्रेंच वगैरह की करेंसी है। अगर आपको और मोर लेआउट चाहिए तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। इसके अंदर आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स दिखाई दे जाएंगे, तो यहाँ से क्लिक करके आप मोड नंबर फॉर्मेट्स पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप मोड नंबर फॉर्मेट्स पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर करेंसी सिंबल शो हो जाएगा। अब इस वाले ड्रॉप डाउन पर आप क्लिक करके अपनी जो भी कंट्री की करेंसी है उसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप देखेंगे आपकी जितनी भी करेंसीज यहाँ पर हैं वो सारी की सारी आपके सामने यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे। तो जो भी करेंसी आपको यहाँ पर चाहिए वो करेंसी आप यहाँ से सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो आपकी करेंसी वहाँ पर शो अप हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर अकाउंटिंग की, तो आपका जो डेटा है वो अकाउंटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर शॉर्ट डेट और टाइम की, तो आपका जो डेटा है वो डेट और टाइम के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें लॉन्ग डेट और टाइम की, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो डेटा है वो लॉन्ग डेट और टाइम में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर टाइम की, तो ये बेसिकली आपका टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर परसेंटेज की, तो आपका ये जो डेटा है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर फ्रैक्शंस की, तो यहाँ पर आपका जो डेटा है वो फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर साइंटिफिक्स की, तो आप देखेंगे आपका जो डेटा है वो साइंटिफिक्स में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारे फॉर्मेट्स हैं, आप इसमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो टेक्स्ट में आपका ये डेटा कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आप ये सारे के सारे फॉर्मेट्स को यूज़ कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अकॉर्डिंग। आपको डेट चाहिए आप डेट ले सकते हैं, टाइम चाहिए टाइम ले सकते हैं, अकाउंटिंग चाहिए अकाउंटिंग ले सकते हैं, करेंसी चाहिए करेंसी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी आप देखेंगे मोर नंबर फॉर्मेट्स का ऑप्शन है। इस वाले डायलॉग बॉक्स पर भी क्लिक करने के बाद आपकी वही सेटिंग्स ओपन होगी। यहाँ पर हम क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ, उस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो सेम उसी की सेटिंग्स हमारे सामने वापस से ओपन हो गई है, जिसके अंदर अगर आप करेंसी यूज़ करना चाहें, टेक्स्ट यूज़ करना चाहें, स्पेशल कैरेक्टर सिंबल्स का यूज़ करना चाहें, कस्टम यूज़ करना चाहें, डेट और टाइम यूज़ करना चाहें, जनरल यूज़ करना चाहें, यही सारी सेटिंग्स हमारी दोबारा से ओपन हो जाती है। तो यहाँ से भी आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से एक एक नंबर्स की, एक एक जनरल सेटिंग्स की या एक एक डेट और टाइम की, परसेंटेज की, आप सेटिंग्स अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर परसेंटेज की, तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टली आपके सामने ऑप्शन है। यहाँ से हमने इसे अंदर से यूज़ किया था, तो आप इसे डायरेक्टली परसेंटेज में यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसको अगर आपको कॉमन सिंबल में कन्वर्ट करना है, तो आप देखेंगे आपके सामने एक और ऑप्शन है कॉमा का। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो नंबर है वो कॉमन वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जीरो आप यहाँ पर इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। डेसिमल प्लेस के बाद कि जीरो को अगर आप चाहें तो यहाँ से इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं आपको इंक्रीज और डिक्रीज करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये डिक्रीज हो रहा है, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये इंक्रीज हो रहा है। जितनी भी जीरो ऐड करना चाहें पॉइंट के बाद आप इसको ऐड कर सकते हैं, यानी डेसिमल प्लेसेस को आप जितना चाहें उसको इंक्रीज या डिक्रीज करके रख सकते हैं। तो ये थे हमारे फॉर्मेटिंग मेन्यू स्टाइल मेन्यू के कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन के बारे में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है एमएस एक्सेल का, जो आपके इंपॉर्टेंट डेटाबेस को अलग से हाईलाइट करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता है। इसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग हम अपने डेटाबेस को अलग से हाईलाइट कर सकते हैं, साथ ही अपने अकॉर्डिंग एक नया रूल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन इसके अंदर मैं आपको एक एक करके हर एक ऑप्शन के बारे में, हर एक पॉइंट के बारे में डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन हमारा दिखाई देगा जिसका नाम है ग्रेटर देन। यहाँ पर आप देखेंगे हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर एक ऑप्शन है हमारा ग्रेटर देन। अब ये ग्रेटर देन क्या काम करता है, मान लीजिए हमारा ये डेटाबेस है जिसके अंदर से हमने कुछ डेटा को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम चले जाते हैं कंडीशन मोड के अंदर, यहाँ पर चले जाते हैं हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर, और यहाँ पर हमारा ऑप्शन है ग्रेटर देन का। इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर सबसे पहले आपसे बोलता है वैल्यू, यानी आप ऐसी वैल्यू दीजिए जिससे आपको ग्रेटर देन वैल्यू हाईलाइट करानी हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 64 बाय डिफॉल्ट इसने ले लिया है, और मैं यहाँ पर चेंज करके कर देता हूँ उसको 80। अगर मैंने यहाँ पर 80 लिखा, तो 80 लिखते ही आप देखेंगे यहाँ पर जो भी 80 से अबव वैल्यूज थी वो सारी की सारी हाईलाइट आपकी हो चुकी है। तो ये था हमारा ग्रेटर देन का ऑप्शन। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर
जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है आपका लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, यानी कि आपका जो कलर होगा वो लाइट होगा और आपका जो टेक्स्ट होगा वो रेड कलर में काफ़ी डार्क शो करेगा। इसके अलावा येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट, यानी कि बैकग्राउंड में येलो कलर फिल होगा और इसका जो टेक्स्ट होगा वो डार्क में आपके सामने शो अप होगा। इसके बाद ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट, यानी कि ग्रीन कलर आपका बैकग्राउंड में फिल होगा और डार्क ग्रीन कलर आपका टेक्स्ट का। इसी तरीके से लाइट रेड फिल, यानी कि आपका जो टेक्स्ट होगा वो लाइट रेड कलर में फिलअप होगा। इसके बाद है रेड टेक्स्ट, यानी आपका जो टेक्स्ट होगा वो सिर्फ रेड कलर के अंदर आएगा, बैकग्राउंड के अंदर कोई भी कलर नहीं होगा। रेड बॉर्डर, यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं रेड बॉर्डर, यानी आपका जो टेक्स्ट होगा वो बॉर्डर के अंदर शो अप होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें कस्टम फॉर्मेट की, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी कंडीशन बना सकते हैं। तो मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन आप देखेंगे लाइट रेड फिल विद डार्क रेड कलर, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर इसका जो कलर है वो रेड कलर है और इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो डार्क में रेड शो हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर जो बाकी के ऑप्शंस हैं वो सेम इसी तरीके से आपके सामने शो अप होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर लाइट रेड की, तो अगर हम यहाँ पर कंडीशन को सिलेक्ट करते हैं लाइट रेड, मान लीजिए हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया लाइट रेड और उसके बाद हम इसे ओके करेंगे, तो ओके करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे लाइटली रेड कलर में आपका डेटा शो हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट फॉर्मेट की, नेक्स्ट ऑप्शंस की, तो यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर रेड टेक्स्ट, यानी हमारा जो टेक्स्ट होगा वो रेड कलर में आपके सामने हाईलाइट हो जाएगा। तो इसके बाद हम यहाँ पर रेड कलर ले लेते हैं और इसके बाद कर देते हैं ओके। आप देखें हमारा जो टेक्स्ट था वो रेड कलर में हाईलाइट हो गया। तो यहाँ पर डेटा को पहले हम लोग नॉर्मल कर देते हैं और उसके बाद वापस से जाते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर और यहाँ पर ग्रेटर देन लेते हुए यहाँ पर अपनी वैल्यू टाइप कर देते हैं, जैसे हमने दे दिया 80 से अबव मुझे चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन आ जाएगा आपका रेड बॉर्डर का, यानी यहाँ पर आपका टेक्स्ट हाईलाइट नहीं होगा, आपका पूरा का पूरा बॉर्डर हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बॉर्डर को ले लेते हैं, बॉर्डर को लेने के बाद हमने जैसे ही ओके किया तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो बॉर्डर है वो रेड कलर में हाईलाइट हो चुका है। इसी तरीके से यहाँ पर नीचे आइए और भी ऑप्शंस हैं आपके सामने ग्रेटर देन, और यहाँ पर हमने वैल्यू यूज कर ली लाइक 80 लेने के बाद सबसे नीचे जो आपके सामने ऑप्शन आएगा आपका कस्टम फॉर्मेट का, ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, यानी टेक्स्ट के कलर्स को। तो चलिए यहाँ से हमने ले लिया कस्टम ऑप्शन। कस्टम ऑप्शन लेने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर इस तरीके से ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर हम फॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं, बॉर्डर को भी यूज़ कर सकते हैं, फिल को भी यूज़ कर सकते हैं और नंबर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको फॉन्ट को दिखा देता हूँ करके। यहाँ पर हम सबसे पहले फॉन्ट लेंगे, फॉन्ट का कलर जो भी हमें लेना होगा वो फॉन्ट कलर हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमें फॉन्ट का कलर जो चाहिए वो चाहिए, मान लीजिए हमने ले लिया ये कलर, ले लिया इस कलर को। लेने के बाद हमने ओके किया, ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो कलर है वो यहाँ से हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद स्कैप करके हम लोग पीछे चले जाते हैं, पीछे जाने के बाद कंट्रोल जेड कर देते हैं एक बार, बॉर्डर को भी हम लोग क्लियर कर देते हैं। इस तरीके से आप इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं उन सभी का यूज़ कर सकते हैं, यानी हर एक चीज़ को कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, चाहे वो आपका बॉर्डर हो, यहाँ से आप बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं, फिल हो उसके अंदर का कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, पैटर्न चेंज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो है लेस देन का, यानी यहाँ पर हम जो भी वैल्यू टाइप करेंगे उससे लेस देन डेटा हमारा हाईलाइट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्लिक करना है लेस देन के ऊपर, और लेस देन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम वैल्यू ले लेते हैं लाइक 50 से लेस देन मुझे वैल्यू चाहिए। तो 50 से लेस देन अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास चार वैल्यूज हैं जिनका यूज़ हम कर सकते हैं, यानी इन चारों वैल्यूज़ को हम अलग से हाईलाइट कर सकते हैं उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग जो मैंने अभी आपको एक एक करके सारा समझाया था। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आता है हमारा बिटवीन का। अब ये बिटवीन क्या काम करेगा, तो बिटवीन का जो ऑप्शन है हमारा वो बीच की वैल्यूज़ को हाईलाइट करेगा। हम हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर चले गए, बिटवीन ऑप्शन यूज़ किया हमने, हमने ले लिया लाइक 50 से स्टार्ट हो और लास्ट 100 तक के बीच में वैल्यू हमें शो अप हो जाए। तो यहाँ से आप देखेंगे हमारी जो मिनिमम वैल्यू थी वो थी 50 और मैक्सिमम जो वैल्यू थी वो है हमारी 100। तो 50 से लेकर के 100 के बीच में हमारी जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगी। आप देख सकते हैं 50 से लेकर के 100 के बीच की ही वैल्यू हाईलाइट है, इसके अलावा और कोई भी वैल्यू यहाँ पे हाईलाइट नहीं है। तो इसको भी इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी कंडीशंस हैं, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर इक्वल की, तो अगर हमने यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू डालते हैं जो कि इक्वली हो किसी एक डेटा के, तो वो डेटा हमारा अलग से हाईलाइट हो जाएगा। तो उसके लिए जैसे हमने यहाँ पर 60 को रिमूव किया और यहाँ पर टाइप कर दिया हमने लाइक 93 आप देखेंगे हमारे पास एक वैल्यू है तो यहाँ पर शो अप हो गई, अलग से हाईलाइट हो गई। तो आप इक्वली वैल्यू को यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं।
मास्टर, इन सभी रूल्स को आप एक एक करके यूज कर सकते हैं अपने डेटाबेस के ऊपर। उसके बाद हम बाकी के ऑप्शंस को समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन है टेक्स्ट दैट कंटेंट, यानी कि यहाँ पर हमने एक डेटा को सिलेक्ट किया। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम वापस से चले जाते हैं अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर, और यहाँ पर चले जाते हैं टेक्स्ट एंड कंटेंट के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर अमन लिखा हुआ है, तो अमन यहाँ पर हाईलाइट हो गया। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं कमल, तो यहाँ पर आप देखेंगे कमल यहाँ से हाईलाइट हो गया। तो यानी जो भी टेक्स्ट एंड कंटेंट यहाँ पर हम टाइप करेंगे वो कंटेंट हमारा यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर हमने कमल को टाइप करके ओके कर दिया, इसको एक तरीके से और भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस पूरे सेल को सिलेक्ट किया, सेल को सिलेक्ट करने के बाद पूरे सेल के ऊपर हमने इस रूल को फॉलो कर दिया, पूरे सेल के ऊपर हमने इस रूल को लगा दिया। जैसे हम लोग चले गए टेक्स्ट एंड कंटेंट के ऊपर और यहाँ पर हमने लिख दिया अमन। अमन लिखने के बाद हमने ओके किया, तो आप देखेंगे अभी फिलहाल हमारे पास एक ही अमन है जो यहाँ पर शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर अमन टाइप करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखेंगे आप अमन की जितनी भी टेक्सेस यहाँ पर टाइप होंगे वो अलग से ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से भी आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बाकी के एक ऑप्शन को कंप्लीट करते हैं। आप चले जाएं फिर से वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, हाईलाइट टेक्स्ट एंड सेल्स के रूल्स के अंदर, और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा डेट अकॉर्डिंग का। अब ये डेट अकॉर्डिंग क्या है इसको अभी हम फिलहाल छोड़ते हैं, इसको मैं अभी कराता हूँ आपको कवर। पहले मैं नीचे डुप्लीकेट वैल्यू आपको क्लियर कर देता हूँ, तो इसके बाद हम डुप्लीकेट वैल्यूज पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे एक जैसी जो भी दो वैल्यू उसके अंदर होंगी वो हाईलाइट यहाँ पर हो जाएंगी। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर 79 यहाँ भी है और 79 यहाँ भी है, 94 आपका यहाँ भी है और 94 आपका यहाँ पर भी है। तो दोनों की दोनों हमारे जो डेटा है वो डुप्लीकेट है, तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे वो डुप्लीकेट वैल्यूज यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर एक और ऑप्शन है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन है यूनिक का, यानी कि वो वैल्यू जो एक दूसरे से मैच ना होती हो। अगर आप यूनिक वैल्यू चाहते हैं तो यूनिक वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए हम लोग यूनिक को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद आप देखेंगे आपकी जितनी भी यूनिक वैल्यूज थी यानी डुप्लीकेट को छोड़ करके यूनिक वैल्यूज आपकी हाईलाइट हो चुकी हैं। तो इस तरीके से भी आप अपने डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करके हम लोग पीछे चले जाते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इसके अंदर हमने एक पार्ट छोड़ दिया था आपका डेट अकॉर्डिंग वाला। अभी डेट अकॉर्डिंग किस तरीके से काम करता है मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ। हम एक नई शीट पर चले जाते हैं। नई शीट पर जाने के बाद इसको थोड़ा सा मैं पहले जूम कर देता हूँ। जूम करने के बाद मैं यहाँ पर एक डेट डालता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने डेट डाल दिया 2021। अब इसको पकड़ करके हमने क्या किया, नीचे की तरफ ट्रैक कर दिया। ट्रैक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर 10 तारीख से लेकर के 20 तारीख यानी आज तक की डेट का हमने यहाँ पर डेटा ले लिया है। अब इसके आगे और भी डेटा हो सकता है हमारा। हम पूरे डेटा को एक बार सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर चले जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर यहाँ पर हम ले लेते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं डेट अकॉर्डिंग। डेट अकॉर्डिंग में आप देखेंगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप चेक करिए, यहाँ पर देखेंगे आपके सामने हाईलाइट हो सकता है टुडे, टुमारो, लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट मंथ, या फिर लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ। इनमें से जो चीज़ भी आप सिलेक्ट करेंगे वो डेट आपकी यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगी। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले यस्टरडे सिलेक्ट है, तो आप देखेंगे यस्टरडे यानी कल की डेट यहाँ पर हाईलाइट हो चुकी है। अगर हम टुमारो की बात करें तो टुमारो हमारे पास है ही नहीं, तो डेटा हाईलाइट ही नहीं होगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर टुडे की, तो टुडे यानी कि आज की डेट यहाँ पर देखिए हाईलाइट हो गई। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर लास्ट वीक की, तो लास्ट वीक हमारा ये था, हाईलाइट हो गया। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी फॉर्मेटिंग मैंने आपको बता ही दिया, कस्टम में जा करके आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो भी डेटा सेलेक्ट करना चाहें, जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहें, अपने हिसाब से उस कलर को यहाँ पर ईजिली मैनेज कर सकते हैं। तो ये था हमारा डेटा अकॉर्डिंग का ऑप्शन। इसके बाद फिर से वापस अपने डेटा पर चले जाते हैं और डेटा पर जाने के बाद बाकी के ऑप्शंस का हम लोग यूज़ करके देखते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वो है टॉप बॉटम रूल्स, यानी टॉप का और बॉटम का, यानी हम जो बात करेंगे यहाँ पर टॉप वैल्यूज़ की या फिर बॉटम वैल्यूज़ की, इनके रूल्स हैं सारे के सारे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन आपका टॉप 10 आइटम्स, यानी कि यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके इस पूरी वैल्यू के अंदर जितनी भी टॉप वैल्यूज थी वो यहाँ पर 10 वैल्यूज हाईलाइट हो चुकी हैं। अगर यहाँ पर आप टॉप 3 कर देते हैं तो आप देखेंगे आपकी टॉप 3 वैल्यू यहाँ पर हाईलाइट हो चुकी है। जो मैंने रूल्स आपको बताए थे उसी रूल के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर भी इसी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने हिसाब से कलर्स को मैनेज कर सकते हैं या फिर फॉन्ट को मैनेज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो ये तो था टॉप वैल्यूज़ के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर बॉटम वैल्यू के बारे में। आप देखेंगे सबसे पहले मैं आपको बॉटम आइटम्स करा देता हूँ, फिर परसेंटेज वाली वैल्यू आपको कराऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने बॉटम 10 आइटम्स हैं, तो इस पर हमने क्लिक किया।
इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बॉटम में आपने दे दिया लाइक टॉप थ्री, तो टॉप थ्री में आपकी जो बॉटम वैल्यू यानी नीचे से वैल्यू जो हाईलाइट है वो यहाँ से हो चुकी है, यानी नीचे से आपकी तीन वैल्यू सबसे कम है जो यहाँ पर आपके सामने हाईलाइट हो चुकी है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन है टॉप 10%, तो टॉप 10% में अगर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने थ्री वैल्यूज हाईलाइट है और यहाँ पर हमने लिखा हुआ है टॉप 10%। अब कन्फ्यूजन ये है कि 10% आइटम ये कैसे हमें फाइंड आउट कर रहा है, यानी कैसे हमें डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो डेटा हमारे सामने परसेंटेज में रिप्रेजेंट करता है वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग लेता है। किस तरीके की परसेंटेज के अकॉर्डिंग लेता है इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखाता हूँ आपको, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से आपकी परसेंटेज वैल्यू को काउंट करता है और किस तरीके से हमें डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं एक्सेल के अंदर, यहाँ पर इक्वल टू का यूज़ करते हैं और यहाँ पर एक फॉर्मूला पुट करते हैं एवरेज का। एवरेज निकालने के बाद हम यहाँ पर इस रेंज ले लेते हैं इन सभी डेटाबेस की, इन सभी डेटाबेस की हम लोग एवरेज निकाल लेंगे और प्रेस करेंगे एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे इन सभी डेटाबेस के अंदर से जो आपकी एवरेज निकली है वो 70 एवरेज निकली है। अब 70 के ऊपर यानी अब देखिए इस कंडीशन को ये क्या काम करेगा, डेटा को हमने वापस से सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर चले गए और यहाँ पर चले गए हम लोग टॉप 10% आइटम के पास। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो 70 है, यानी 70 से अबव, 70 से ऊपर की परसेंटेज ये हमें बताएगा। तो 70 से ऊपर की अगर आप बात करें तो 95, 94 और 94 यहाँ पर तीन वैल्यूज़ हैं जो 70 से अबव हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर वैल्यूज़ को अगर हम कम ज़्यादा या कम ज़्यादा भी करेंगे तो टॉप परसेंटेज हमारे सामने ये रिप्रेजेंट करता है। के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर बॉटम परसेंट आइटम की, तो यहाँ पर हम क्लिक करके बॉटम परसेंटेज पे चले जाते हैं और बॉटम परसेंट लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने दो वैल्यूज हाईलाइट हो चुकी हैं, यानी कि अब आप समझेंगे 70% से 10% नीचे की वैल्यू जो है हमारी वो हमारी ये दोनों वैल्यूज आती हैं। अगर हम यहाँ पर इसकी 15% ले लेते हैं तो 15% में हमारी देखिए ये वैल्यूज आ चुकी हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर 20% ले लेते हैं तो 20% में हमारी ये वैल्यूज यहाँ पर हाईलाइट हो चुकी है, यानी इस 70% के हिसाब से 20% अबव एंड 20% डिक्रीज करते समय ये डेटा हमारा यहाँ पर हाईलाइट हो जा रहा है। तो इस तरह से आप अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं, जितने भी परसेंट यानी इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग जितना भी परसेंट आप इसको मैनेज करना चाहें उतना परसेंट आप इसे मैनेज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट रूल की, तो उस पूरे के डेटा को एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जा करके यहाँ से हम लोग ले लेते हैं अबव एवरेज। अबव एवरेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे वो सभी डेटा हाईलाइट यहाँ पर हुए हैं जो डेटा हमारे अबव में है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो वैल्यूज़ हमारी यहाँ पर आ रही हैं वो 33 से लेकर के 100 के बीच की वैल्यूज़ हैं और यहाँ पर आप देखेंगे ये वैल्यूज़ हमारी 200, 300 के अबव एवरेजेस हमारी यहाँ पर शो हो रही हैं। तो ये हो गई हमारी अबव एवरेजेस और ये बाकी की सारी हमारी हो गए बिलो एवरेज। तो यहाँ पर जो भी डेटा के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ी एवरेज होंगी ये उनको कलेक्ट कर लेगा और आप अपने हिसाब से यहाँ से कलर्स इसको मैनेज कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर बिलो एवरेज की, तो यहाँ पर जैसे हम बिलो पे क्लिक करेंगे तो उस अबव एवरेज को छोड़ करके ये जो भी इससे छोटी एवरेज होंगी ये उनको सेलेक्ट यहाँ पे कर लेगा। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कुछ ऑप्शंस थे जो आप इन्हें यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें डेटा बार्स की, तो डेटा बार्स के अंदर जो भी कलर यहाँ पर आप आपको पसंद आता है वो कलर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने जिस डेटा के अंदर जितना ज़्यादा कलर होगा उतना ज़्यादा डेटा आपका ये हाईलाइट हो जाएगा। देख तो आप यहाँ पर देखेंगे आपका 440 का जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा है जो यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है। और फिर से हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कलर स्केल्स। अब ये कलर स्केल्स के अंदर क्या है हमारा, जब भी हम किसी कलर को यहाँ पर फिल करेंगे तो आप देखेंगे ज़्यादा बड़ी एवरेज होगी वो यहाँ पे अलग से हाईलाइट हो रही है। आप देखेंगे इस रेड कलर के अंदर हमारा जो डेटा है वो सबसे ज़्यादा है जो यहाँ पर हाईलाइट हो गया और यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी इससे छोटी वैल्यूज़ होंगी वो हल्की येलो कलर में शो अप हो रही हैं और जो उससे छोटी वैल्यूज़ होंगी वो इससे ग्रीन कलर में यहाँ पर शो अप होंगी, यानी जिसमें जितना ज़्यादा कलर उतना ज़्यादा डार्क कलर यहाँ पर शो अप होगा। तो इस तरीके से आप डेटा को मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शंस थे आपके किसी भी डेटा के कलर्स को हाईलाइट करके आप अपने उस डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन है आइकन्स का, तो आप आइकन्स के थ्रू भी डेटा को मैनेज कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर इन आइकन्स की, तो ये आइकन्स हमें रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सा डेटा ऊपर की तरफ जा रहा है और कौन सा डेटा नीचे की तरफ आ रहा है और कौन सा डेटा हमारा सेंटर पॉइंट में है।
इसके अलावा यहाँ पर आप और भी आइकन्स का यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने आइकन्स हैं, टावर्स वगैरह के भी आइकन्स हैं, इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। जिसके अंदर जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ज़्यादा टावर यहाँ पर शो अप होगा। तो ये सारे के सारे फॉर्मेट्स आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, इसमें इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव कंडीशंस नहीं है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं न्यू रूल्स की। तो न्यू रूल्स आपका किस तरीके से यूज़ किया जाएगा आप वो क्लियर कर लेते हैं हम लोग। तो इसके लिए हमने पहले से ही एक शीट बनाई हुई है, आप देखेंगे शीट वन के ऊपर हमने डेटा बनाया हुआ है, जिसके अंदर हम यहाँ जिस भी ड्रॉप डाउन के ऊपर हम किसी का भी नाम सेलेक्ट करते हैं तो वो सेल यहाँ पर आप देखेंगे ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जा रहा है। जैसे हमने दीपक को सिलेक्ट किया या हमने आदित्य को सिलेक्ट किया तो आदित्य का जो रो है वो हमारा हाईलाइट हो जा रहा है। तो ये चीज़ हमने किया है न्यू रोल से। अब इसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप ये किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए चले जाते हैं शीट टू पर। शीट टू पर हमने ये डेटा बनाया हुआ है पहले से ही। उसके बाद हम चले जाएंगे स्टूडेंट नेम के ऊपर और सबसे पहले हम अपने नेम्स की एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं, यानी हम एक ड्रॉप डाउन क्रिएट कर लेते हैं। अगर आपको ड्रॉप डाउन क्रिएट करना नहीं आता तो आप सीख लीजिए कि ड्रॉप डाउन किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। इसके लिए आप चले जाएंगे डेटा टाइप के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे डेटा टाइप का मेन्यू होगा, डेटा टाइप के अंदर चले जाएंगे। डेटा टाइप के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा डेटा वैलिडेशन का। इस डेटा वैलिडेशन पे आपको क्लिक करना होगा। डेटा वैलिडेशन के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर एक एनी वैल्यू का एक ऑप्शन है। इस एनी वैल्यू पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा लिस्ट का एक ऑप्शन। इस लिस्ट वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। लिस्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक सोर्स का ऑप्शन आ जाएगा और इस सोर्स के अंदर आपको सिंपली क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जितने भी आपके पास नेम्स हैं उन सभी की रेंज ले लेनी है। रेंज लेने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर ओके कर देना है। तो ओके करने के बाद यहाँ पर आपका डेटा देखेंगे यहाँ पर शो अप हो गया, यानी आपकी जो लिस्ट थी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जिस जगह पर आप लिस्ट को तैयार कर रहे हैं वहाँ पर सबसे पहले आपको क्लिक करके रखना है, उसके बाद इस ऑप्शन का यूज़ करना है। जिस जगह पर आपका सेल सेलेक्ट होगा वहीं पर ये ड्रॉप डाउन क्रिएट हो जाएगा। तो पहला स्टेप हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ड्रॉप डाउन हमने तैयार कर लिया है। अब बात करते हैं किस तरीके से इस तरीके की हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं। तो कंडीशन लगाने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले आप डेटाबेस को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जितना भी आपका डेटाबेस है पूरे डेटाबेस को एक बार में सिलेक्ट कर लीजिए और चले जाइए वापस से होम टैब के अंदर और यहाँ से चले जाइए कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक न्यू रूल्स का ऑप्शन। इस न्यू रूल पर आपको क्लिक करना होगा। न्यू रूल्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। इसके अंदर आपको सिलेक्ट करना है ये सबसे लास्ट वाला ऑप्शन। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन लिखा हुआ है, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। तो इस पहले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करके रखना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर एक फॉर्मेट ऑप्शन खुल के आ जाएगा जहाँ पर आप ये फॉर्मूला पुट करेंगे। अब इस फॉर्मूला को आप किस तरीके से यूज़ करते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको लिखना क्या है। आप इसके ऊपर हम रूल क्या लागू करना चाहते हैं, हम रूल ये लागू करना चाहते हैं कि जो भी इस लिस्ट के अंदर हम डेट को सिलेक्ट करें, जो भी इस लिस्ट के अंदर हम नेम को सिलेक्ट करें वो सेल हमारा यहाँ पर हाईलाइट हो जाना चाहिए, यानी वो हमारा पूरा का पूरा रो यहाँ पे हाईलाइट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेल पर क्लिक करके रखेंगे। इस सेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम रेंज ले लेंगे इस नेम के हेडिंग की। नेम हेडिंग की रेंज लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा, नेम हेडिंग की रेंज आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा जो हमारी ये नेम हेडिंग रेंज है इसके अंदर से हम ये आप देखेंगे डॉलर का सिंबल ये ऑटोमेटिकली आपके सामने शो अप हो जाता है। अब ये डॉलर का सिंबल क्यों लगता है, डॉलर का सिंबल बेसिकली सेल्स को लॉक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें सिर्फ कॉलम को लॉक करना है, यानी कि हम यहाँ से जो वन से पहले डॉलर का सिंबल है हम इसको यहाँ से हटा देंगे, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे क्योंकि हमें सिर्फ कॉलम को लॉक करना है, रो हमारा ओपन होना चाहिए। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले डॉलर के सिंबल को, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है दूसरा डॉलर का सिंबल, इस वाले सिंबल को आप यहाँ से रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस डॉलर के सिंबल को यहाँ बैकस्पेस से आप कट कर सकते हैं। कट करने के बाद आपको बाहर वापस से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर यूज़ करना है इक्वल टू का सिंबल। आप देखेंगे आपका इक्वल टू का सिंबल यहाँ पर यूज़ हो गया। तो ये जो सेल हो हमारा वो इक्वल किसके हो, तो वो सेल के इक्वल हो हमारे इसके, यानी कि जो हमने ड्रॉप डाउन यहाँ पर क्रिएट किया था, जो हमने लिस्ट यहाँ पर क्रिएट की थी उसके, यानी यहाँ पर जो डेटा यहाँ से सेम डेटा मैच होगा वही डेटा यहाँ पर हाईलाइट होना चाहिए। तो ये हमारी कंडीशन है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, फॉर्मेट के ऊपर जाना है। जिस कलर से आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं वो फॉर्मेट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से फॉर्मेट यूज़ करेंगे। फॉर्मेट यूज़ करने के बाद यहाँ से आपको जो भी कलर पसंद आता है, मान लीजिए हमने येलो कलर ले लिया, येलो कलर लेने के बाद हमने सिंपली ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ पर भी आपको सिंपल ओके करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका कमल सेलेक्ट करते ही यहाँ पर कमल का सेल हाईलाइट हो चुका है। जैसे आप दीपक को सिलेक्ट करेंगे तो दीपक हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप आदित्य को सिलेक्ट करेंगे तो आदित्य आपका यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। तो ये था आपका न्यू रूल्स। इसी तरीके से इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपकी बनाऊंगा जिसमें मैं सारे ऑप्शंस को आपको वन बाय वन क्लियर करूंगा।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर टेबल्स ऑप्शन की। अब ये टेबल ऑप्शन किस लिए यूज़ किया जाता है, तो टेबल ऑप्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ पर इसे टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस टी है, इसको भी यूज़ करके आप इसे टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमने टेबल में को सिलेक्ट किया और यहाँ सिंपल हमने ओके किया। यहाँ ओके करते ही आप देखेंगे आपके ये जो डेटा था वो टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद यहाँ से आप देखेंगे आपके सामने बहुत सारे फॉर्मेट्स खुल चुके हैं, इसमें से जो भी फॉर्मेट आपको पसंद है वो फॉर्मेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो सेल स्टाइल है। यहाँ पर आप चाहें तो किसी को हेडिंग बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और मुझे इसको हाईलाइट करना है हेडिंग के थ्रू, तो यहाँ पर बहुत सारी हेडिंग्स हैं जिसमें आप इस तरीके से टाइटल को हेडिंग दे सकते हैं। तो ये था हमारा स्टाइल मेन्यू। क्लियर करेंगे सेल मेन्यू के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और कितने इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होते हैं और इनका क्या क्या यूज किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर इंसर्ट सेल की, अगर आप अपने डेटाबेस में से किसी डेटाबेस में कहीं पर सेल इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इजीली इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली उस जगह पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल जा करके इंसर्ट के अंदर और इंसर्ट सेल पे सिंपल क्लिक करना होगा। आपको सिंपल यहाँ पर करना क्या है, ओके कर देना है। जैसे आप इसे ओके करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर आपका सेल इंसर्ट हो चुका है। हम कंट्रोल जेड करके वापस पीछे चले जाते हैं। पीछे जाने के बाद हम वापस से अपने मेन्यू के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इंसर्ट शीट रो। यानी अगर आपको रो इंसर्ट करनी है तो आप इस वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल रो को सिलेक्ट करना है। इस तरीके से हमने इस रो पर क्लिक किया, आप देखेंगे मोहन के इस वाले सेल पर हमने क्लिक किया है जिससे हमारी पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो गई है। और उसके बाद आपको यहाँ पर जा करके इंसर्ट शीट रो पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका रो इंसर्ट हो चुका है। आप किसी डेटा को अगर यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो इजीली आप इसे ऐड कर सकते हैं। हम कंट्रोल जेड करके वापस इसे पैक कर देते हैं। इसके बाद अगर आप किसी कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कॉलम को सिलेक्ट करिए और नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर आप देखेंगे आपका नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट शीट कॉलम। इंसर्ट शीट कॉलम पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका कॉलम भी एक इंसर्ट हो चुका है। तो इसको भी अगर आप डिलीट करना चाहें तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने डिलीट के ऑप्शंस हैं। आप डिलीट पर जैसे क्लिक करेंगे डिलीट शीट कॉलम पर तो ये डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा। यानी जिन चीज़ों को हम यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर डिलीट करने का भी ऑप्शन हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी हमारे पास तीन शीट्स हैं, तो इनों शीटों में से अगर हमें एक एक्स्ट्रा शीट चाहिए तो या तो आप प्लस वाले निशान पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने प्लस का एक निशान है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी एक शीट इंसर्ट हो जाएगी। और अगर आप इस मेन्यू के थ्रू करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और इंसर्ट शीट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इंसर्ट शीट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे आपकी एक और शीट यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो शीट को यहाँ पर सिलेक्ट करके रखिए और यहाँ पर जाकर के उसे डिलीट कर दीजिए, वो डिलीट आपका हो जाए। तो ये थे ऑप्शंस हमारे इंसर्ट्स के एंड डिलीट्स के। अब मेन टॉपिक आता है हमारा फॉर्मेट्स का। अब फॉर्मेट के अंदर आप देखेंगे आपके सामने सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है रो हाइट का। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपने सेल्स की रो के हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मान लीजिए हमने इस डेटा को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम चले गए फॉर्मेट टैब के अंदर। फॉर्मेट टैब में जाने के बाद यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया रो हाइट। रो हाइट पर जैसे ही हमने क्लिक किया यहाँ पर हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ पर जो रो की मिनिमम हाइट होती है वो 15 mm होती है बाय डिफॉल्ट। अगर आप इसे इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर ये इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मैंने कर दिया इसको 20 करने के बाद जैसे मैं इसे यहाँ पर ओके करूंगा, ओके करने के बाद आप देखेंगे आपके डेटा की जो हाइट थी वो यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है। एज कंपैरिजन आप यहाँ पर देखेंगे इसकी सेल की हाइट यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी है। इन सभी सेल्स की हाइट नॉर्मल है और इन सभी सेल्स की हाइट यहाँ पर 20 हो चुकी है। इन सभी सेल्स की जो हाइट है वो 15 mm है। यहाँ पर अगर आप इस डेटा की बात करें तो यहाँ पर इसकी सेल की हाइट जो थी वो 20 mm हो चुकी है। इसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो डेटा है वो वापस से डिफॉल्ट साइज में कन्वर्ट हो जाए तो यहाँ पर आपको वापस से फॉर्मेट पे जाना होगा। और यहाँ पर आपको दिखाऊंगा एक ऑप्शन है आपका ऑटो फिट रो का। यानी इस ऑटो फिट रो पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये जो साइज था ये देखिए डिफॉल्ट साइज में यहाँ पर एडजस्ट हो गया। तो इससे आप अपने सेल्स के हाइट को इंक्रीज एंड ऑटो फिट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें कॉलम्स विथ की, तो यहाँ पर कॉलम विथ में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉलम की जो विथ है वो 8.43 mm होती है। अगर आप इसे इंक्रीज करना चाहें तो यहाँ पर हम कर सकते हैं। जैसे हमने 10 ले लिया, 10 लेने के बाद जैसे हम इसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे इसकी कॉलम की जो विथ थी वो यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी है, जैसे कि आपकी रो की इंक्रीज हुई थी। उसी तरीके से आप इसको ऑटो फिट करना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करेंगे ये वापस से ऑटो फिट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे हमारा जो डेटा था वो काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस हो गया, तो इसमें बाय डिफॉल्ट ऑटो फिट करने का जो बेनिफिट होता है हमारा, वो जितना भी हमारा डेटा होता है उतना ही स्पेस यहाँ पर ये लेगा। अगर हम डेटा को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें तो यहाँ से हम इसे वापस से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा डिफॉल्ट विथ का।
इसको अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारा डिफॉल्ट विथ का। इस डिफॉल्ट विथ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें बताएगा इसका जो एक्चुअल साइज होता है यानी इसकी जो विथ की साइज होता है वो 8.43 mm होता है। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं हुई है। इसका रीजन ये होता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें डिफॉल्ट साइज बताता है, इसका कोई यूज नहीं होता, बस ये डिफॉल्ट साइज हमें बताता है कि जो कॉलम का डिफॉल्ट साइज होता है वो कितना होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाता है हाइड रो का, हाइड कॉलम्स का, हाइड शीट्स का, अनहाइड रो का, अनहाइड कॉलम का और अनहाइड शीट्स का। तो एक एक करके हम समझते हैं इसको। सबसे पहले हाइड रो, अगर हाइड रो की हम बात करें तो यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की आपको नजर आ रही होगी, कंट्रोल प्लस 9 से आपका ये जो डेटा है वो हाइड हो जाएगा। जिस डेटा को आप सिलेक्ट करके हाइड करना चाहें उस डेटा को यहाँ पे आप हाइड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारा डेटा यहाँ पर रहने के बावजूद भी हाइड हो चुका है। आप यहाँ देखेंगे हमारा सेल नंबर जो है वो A1 होना चाहिए, A1 से हमें स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो सेल नंबर है वो A1 से हमें स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन A1 से स्टार्ट हमारा नहीं है। यहाँ देखेंगे 7 से स्टार्ट है क्योंकि इसके अंदर अभी हमारा डेटा छुपा हुआ है यानी कि हाइट है। इसको हम वापस से अनहाइट करेंगे। तो अब इसे अनहाइट करने के लिए आपको करना क्या होगा, आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन है ये एरो सा, ये एरो आपको दिखाई दे रहा है। इस एरो पर आपको सबसे पहले क्लिक करना होगा। जब आप इस एरो पर क्लिक कर देंगे तो आपकी पूरी शीट यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट होने के बाद अब आपको जाना होगा कहाँ पर, आपको जाना होगा फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर, यहाँ से हाइड ऑप्शन पर, और यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा अनहाइड रो का। इस अनहाइड रो पे जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे हमारा जो डेटा था वो यहाँ पर शो अप हो गया। जब तक कि आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपका डेटा यहाँ पर शो अप नहीं होगा। तो ये था हमारा हाइड रो। इस तरीके से आप अपनी रो को हाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप अपने कॉलम्स को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट टैब में जाइए, यहाँ से जाइए हाइड ऑप्शन पर और यहाँ पर कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप कॉलम को सिलेक्ट करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर आपका ये डेटा यहाँ पर हाइड हो चुका है, आपको सिर्फ सीरियल नंबर और हिस्ट्री के मार्क्स दिखा रहा है, बाकी कोई भी डेटा हमारे यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। इसको वापस से अनहाइड करना है तो सिंपली आपको इस वाले पॉइंट पर क्लिक करना होगा। इस पॉइंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वापस से जाना होगा, आपको फॉर्मेट टैब के अंदर हाइड एंड अनहाइड ऑप्शंस पे जाना होगा और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा आपका अनहाइड कॉलम्स का। इस अनहाइड कॉलम पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका डेटा आप देखेंगे वापस से रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये था हमारा हाइड, अनहाइड रो और कॉलम्स। अब अगर हम बात करें शीट्स की तो शीट किस तरीके से हाइड किया जाता है उसे भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर जाएंगे वापस से आप इसी ऑप्शन पर और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा हाइड शीट का। हाइड शीट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो हमारी वो शीट जो थी वो यहाँ पर हाइड हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपकी वो शीट यहाँ पर शो अप नहीं हो रही है। अब हमारे पास जो शीट्स आ रही हैं वो सिर्फ दो शीट्स आ रही हैं, एक डेटा की और एक स्किप ब्लैंक की। तो ये दो शीट्स हमारे पास शो अप हो रही हैं, तीसरी जो शीट थी हमारी वो यहाँ पर नहीं शो हो रही है। तो उसको शो किस तरीके से कराएंगे, उसको शो कराने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करके रखना होगा और इसके बाद जाना होगा वापस से फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर और यहाँ से हमें जाना होगा वापस से हाइड अनहाइड ऑप्शन पर और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा आपका अनहाइड शीट का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे आपकी जो भी शीट यहाँ पर हाइड होगी उसका नाम यहाँ पर आपके सामने शो अप कर देगा। इस वाली शीट को आप सिलेक्ट करके जैसे यहाँ ओके करेंगे तो आपकी वो शीट यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं और अपने रो और कॉलम सेल्स को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। किसी डेटा को अगर आप अपने हाइड करना चाहते हैं, किसी डेटा को आप किसी से छुपाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसे हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें रिनेम शीट्स की तो आप यहाँ पर चाहें तो अपनी शीट का नाम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आप अपने इस डेटा को यहाँ पर रिनेम कर सकते हैं। ऑपरेशन की जगह आप यहाँ पर कुछ और लिख सकते हैं तो हम यहाँ पर मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। उस पर आप कट करिए और कट करने के बाद यहाँ पर लिख लीजिए, जैसे मैंने लिख दिया डेटा 2 और उसके बाद एंटर प्रेस किया। यहाँ देखिए आपका ये नाम चेंज हो चुका है और इसको वापस से आपको चेंज करना है तो आप वापस से इसी ऑप्शन पर जा करके यहाँ से रिनेम कर सकते हैं। या एक ऑप्शन और मैं आपको बता देता हूँ, इसी के ऊपर अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे आपके सामने रिनेम का एक ऑप्शन यहाँ पर शो अप हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप चाहें तो इसको रिनेम कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा रिनेम के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर मूव और कॉपी शीट, यानी ये होता क्या है, ये डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने का काम करता है। अब ये किस तरीके से मूव होता है इसके ऊपर हम सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद होगा क्या, आपका एक ऑप्शन ओपन होगा। अब डेटा 2 हमारी ये वाली शीट है और इसे हम चाहते क्या है, मूव टू एंड, यानी एंड में चाहते हैं या होम पर चाहते हैं, यानी आप सबसे शुरू में चाहते हैं या बिल्कुल एंड में चाहते हैं। तो ये डेटा हमारा जो है वो पहली वाली शीट है, स्किप ब्लैंक दूसरी वाली शीट है, डेटा 2 जो है हमारी यही शीट हमारी मूव होगी। अब ये एंड में आपको मूव करनी है, कहाँ मूव करनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो मान लीजिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ डेटा टैब, डेटा टैब को सिलेक्ट करके मैं जैसे यहाँ पर ओके करूंगा, तो ओके करते ही आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो डेटा था वो डेटा टू यहाँ पर हमारे इस जगह पर था, और अब ये कहाँ पहुंच गया, डेटा से पहले पहुंच गया। आप देखिए ये डेटा से पहले यहाँ पर पहुंच चुका है। यही काम आप बिना ऑप्शंस के भी कर सकते हैं। इसे डायरेक्टली एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं तो आप सिंपली करेंगे क्या, आप सिंपली उस डेटा को यहाँ से क्लिक करके रखेंगे और ड्रैग करके इस तरीके से उठा करके ला करके आप यहाँ पर छोड़ देंगे, तो वो डेटा आपका वहां से उठ करके यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका ऑप्शन है टैब कलर्स, यानी आप अपने इस टैब का कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी डेटा शीट आपके सामने यहाँ पर नजर आ रही है इसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया येलो, येलो कलर लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो डेटा टैब का मेन्यू है उसका कलर येलो हो चुका है। जैसे हम स्किप ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये हमारा जो पोर्शन है वो येलो कलर में यहाँ पर शो अप हो चुका है। तो आप इस तरीके से अलग अलग शीट्स को अलग अलग कलर्स दे सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं आप इसे, तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रोटेक्ट शीट। अब ये प्रोटेक्ट शीट क्या है, प्रोटेक्ट शीट किस लिए यूज की जाती है, तो प्रोटेक्ट शीट हमारी यूज की जाती है किसी भी डेटा को प्रोटेक्शन देने के लिए। आप ये चाहते हैं कि आपके इस डेटा के अंदर किसी भी तरह की कोई भी चेंजेस ना कर पाए तो आप प्रोटेक्ट शीट का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली डेटा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना होगा फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा आपका प्रोटेक्ट शीट का। इस प्रोटेक्ट शीट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अगर आप इन सब डेटा पे टिक करेंगे तो इनसे होगा क्या, सबसे पहले मैं आपको इसमें प्रोटेक्शन लगाना सिखा देता हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पर प्रोटेक्शन यूज करनी है। यहाँ पर मैं दे देता हूँ पासवर्ड, लाइक मैंने दे दिया 0, एंटर किया तो हमने री एंटर पासवर्ड में फिर से 0 दे दिया और उसके बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद होगा क्या, अब आप देखेंगे यहाँ पर, अब इसके अंदर अगर मैं कोई भी डेटा टाइप करने की यहाँ पर कोशिश करूंगा तो ये मुझे डेटा एडिट करने की कोई भी परमिशन नहीं देगा। अब मान लीजिए हम परमिशन देना चाहते हैं कि इसमें से सिर्फ वो नंबर्स को चेंजेस कर सकता है, बाकी किसी भी डेटा को चेंजेस नहीं कर सकता। तो इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले हम प्रोटेक्शन को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, यहाँ से जाते हैं वापस से अनप्रोटेक्ट करते हैं इसको और पासवर्ड दे करके इसको अनलॉक कर देते हैं। अनलॉक करने के बाद आपको करना क्या होगा, जिस भी डेटा पर आपको परमिशन देनी है कि भाई वो उसमें चेंजेस कर सके तो उस डेटा को पहले आपको सिलेक्ट करके रखना है। सिलेक्ट करके रखने के बाद आपको जाना होगा फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाएगा लॉक सेल्स का। यहाँ देखिए एक ऑप्शन है हमारा लॉक सेल्स का। इस लॉक सेल पर जैसे आप क्लिक करेंगे इतना जो एरिया था हमारा ये अनलॉक हो जाएगा, यानी इतने एरिया के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर फिर से प्रोटेक्शन लगा देते हैं। डेटा को हमने सिलेक्ट किया, यहाँ से गए फॉर्मेट के ऊपर और यहाँ से प्रोटेक्ट शीट पर हमने क्लिक किया और अपना पासवर्ड वापस से हमने यूज कर लिया। यूज करने के बाद अगर हम यहाँ पर कुछ भी छेड़खानी करने की कोशिश करेंगे तो देखिए हमें परमिशन नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम कुछ भी चेंजेस करना चाहें तो ये हमें चेंजेस करने की परमिशन दे रहा है। तो यानी जितना डेटा हमने अनलॉक किया हुआ है इस डेटा के अंदर हम छेड़खानी कर सकते हैं, इस डेटा के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, बाकी अदरवाइज कोई भी डेटा अगर हम टाइप करने की कोशिश करेंगे तो ये हमें साफ मना कर देगा, उसके अंदर कोई भी डेटा हमें छेड़ने की परमिशन नहीं है। अब उन ऑप्शंस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अनप्रोटेक्ट करिए एक बार डेटा को फिर से, और उसके बाद वापस से हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद फिर से जाते हैं फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर यूज करते हैं प्रोटेक्ट शीट का। अब प्रोटेक्ट शीट के अंदर आप देखेंगे आपके सामने जो ऑप्शंस यहाँ पर नजर आ रहे थे, जिसमें आपका ऑप्शन था सिलेक्ट लॉक सेल्स, सिलेक्ट अनलॉक सेल्स, फॉर्मेट सेल्स, यानी फॉर्मेट सेल पर अगर हम क्लिक कर देते हैं, फॉर्मेट कॉलम्स पर हम क्लिक कर देते हैं, फॉर्मेट रो पे हम क्लिक कर देते हैं, फॉर इंसर्ट कॉलम पे हम क्लिक कर देते हैं, इंसर्ट रो पर हम क्लिक कर देते हैं, तो ये सारी की सारी जो परमिशंस हैं ये परमिशंस हमने इस पासवर्ड में दे दी हैं, यानी ये सभी चेंजेस हम इसके अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा के साथ हम किसी तरीके की कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते। तो मैं आपको दिखाता हूँ करके, इसमें हमने कोई भी पासवर्ड दिया वापस से और पासवर्ड देने के बाद कन्फर्म पासवर्ड दे करके इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमने जो इसमें परमिशन दी थी वो दी थी इसकी फॉर्मेटिंग की, तो हम चाहे तो इसकी फॉर्मेटिंग को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मेट पसंद नहीं आता तो यहाँ से आप फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। देखिए फॉर्मेट चेंज हो गया हमारा, और अगर हम यहाँ पर इसके नंबर के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करेंगे तो ये हमें देखिए साफ मना कर दे रहा है। इसके डेटा के साथ कोई छेड़खानी करने की कोशिश करेंगे तो ये साफ मना कर रहा है। इस नंबर की हमने परमिशन दी हुई है, इसके अंदर हम जो भी एडिटिंग करना चाहें वो इजीली एडिटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से जितने भी डेटा की हम परमिशन यहाँ पर देते हैं वो डेटा हमारा यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। हमने सेल्स इंसर्ट की भी परमिशन दे रखी थी, तो यहाँ पर क्लिक करके जैसे हम सेल को इंसर्ट करेंगे तो यहाँ देखिए सेल इंसर्ट हो जाएगा। सेल को डिलीट करने की हमने परमिशन यहाँ पर नहीं दी हुई है, तो इस वजह से ये सेल हमारा डिलीट यहाँ पर नहीं होगा, डायरेक्टली शीट आपकी डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं, सिक्योरिटी के साथ आप अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको जाना होगा वापस से फॉर्मेट वाले सेल पर, यहाँ से अनप्रोटेक्ट करना होगा और यहाँ से आपको पासवर्ड दे करके इसको वापस से अनलॉक
कर देना होगा, उसके बाद आप इसे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन था हमारे एक्सेल का, जो कि हर एक कंपनी इसे यूज करती है प्रोटेक्शन के लिए, ताकि कोई भी उनकी फाइल के साथ, कोई भी उनके डेटा के साथ छेड़खानी ना कर पाए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे नीचे की तरफ, आप देखेंगे सबसे नीचे का जो ऑप्शन है हमारा वो है फॉर्मेट सेल का। इस फॉर्मेट सेल पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने जनरल सेटिंग्स वापस से ओपन हो जाएंगी, और यहाँ पर भी सेम वही प्रोटेक्शन के ऑप्शन है, लॉक करना, अनलॉक करना या हाइड करना, ये आप यूज कर सकते हैं। बाकी फिल्स के ऑप्शन वही है, कलर्स वगैरह फिल करना, बॉर्डर का कलर फिल करना, फॉन्ट, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में इन सब चीजों के बारे में बता दिया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक के डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो डाल दी है, वहां से इसे देख सकते हैं। अगर आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इन सभी चीजों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑटो सम वाले ऑप्शन की, यानी यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे आपके सामने फंक्शंस हैं, जैसे सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक फंक्शंस है, यानी एक फॉर्मूलेज है, इनको डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर हिंदी के हमारे पास कुछ मार्क्स हैं, अगर मुझे इन सभी का टोटल चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट करके सिंपली इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर आप देखेंगे इसका टोटल मार्क्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप दूसरा फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जो दूसरा फॉर्मूला है हमारा वो है हमारा एवरेज का। अगर आप इन सभी सब्जेक्ट्स का एवरेज निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपल एवरेज पे क्लिक करिए, और उसके बाद जैसे आप देखेंगे यहाँ पर तो आपकी एवरेज यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला पुट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप चाहें तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप काउंट नंबर्स का यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम का यूज कर सकते हैं, मिनिमम का यूज कर सकते हैं। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके सामने एक और ऑप्शन है मोर नंबर फंक्शंस का, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपके सारे फंक्शंस यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। यहाँ से जाकर के आप अपने ऑल फंक्शंस को ले सकते हैं, डेट और टाइम्स के फंक्शंस को ले सकते हैं, फाइनेंशियल फंक्शंस ले सकते हैं, टैक्स के फंक्शंस ले सकते हैं, लॉजिकल फंक्शंस ले सकते हैं। तो बहुत सारे फंक्शंस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऑल पे क्लिक करके जो भी फंक्शन आप करना चाहते हैं वो फंक्शन यहाँ से सिलेक्ट करके उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल हमारा कॉन्सेप्ट था डायरेक्टली फंक्शन यूज करने का, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नीचे आप देखेंगे एक ऑप्शन आपके सामने है फिल का। तो सबसे पहले मैं इन तीन चीजों के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है डाउन, उसके बाद है राइट, और उसके बाद है अप। अब ये किस तरीके से यूज किया जाता है, तो इसके लिए हम चले जाते हैं अपनी शीट पर। शीट पर जाने के बाद हम यहाँ से इस फॉर्मूले को रिमूव कर देते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर हमने सम का फॉर्मूला लगाया हुआ है, इस फॉर्मूले को हम यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद इसको हम पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, हमने सिंगल एक फॉर्मूला यूज किया हुआ है, बाकी सारे के सारे सेल्स हमारे ब्लैंक्स हैं, इन सभी को हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम चले जाते हैं फिल वाले ऑप्शन पर। फिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर हम ले लेंगे डाउन, क्योंकि हमारी जो पोजीशन है वो डाउन साइड हमने सेलेक्ट की हुई है, तो इसलिए हम डाउन का यूज करेंगे। डाउन पे जैसे हम क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर हमारे जितने भी फॉर्मूलेस थे वो यहाँ पर डाउन साइड में पेस्ट हो चुके हैं। यानी ये बेसिकली क्या काम करता है, ये फॉर्मूले को पेस्ट करने का काम करता है, और साथ के साथ ये वैल्यूज को पेस्ट करने का भी काम करता है, वो भी मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा वन, वन को लिखने के बाद हमने इसे क्लिक किया और हमने इसे राइट साइड में सिलेक्शन दे दिया। राइट साइड सिलेक्शन करने के बाद अब हम चले जाते हैं वापस से फिल वाले ऑप्शन पर। फिल वाले ऑप्शन पर जाने के बाद हम यहाँ से राइट को सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम राइट सिलेक्ट करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर राइट साइड में वो वैल्यू पेस्ट हो चुकी है। यही काम अगर आप फॉर्मूले पे करना चाहें, राइट साइड में फॉर्मूला यूज करना चाहें, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपको जाना है अपनी शीट पर। शीट पर जाने के बाद यहाँ पर हम सम का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं शॉर्टकट की से, ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू से हमारा सम आ गया, और इस फॉर्मूले को मुझे राइट साइड में अगर पेस्ट करना है तो यहाँ से आप यूज कर लीजिए फिल वाला फंक्शन, और यहाँ से कर दीजिए राइट साइड। तो राइट साइड में आप देखेंगे इन सभी का टोटल यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो है अप, तो यानी ऊपर की साइड में भी हम इसको यूज कर सकते हैं अप साइड में। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर कोई भी वैल्यू टाइप कर लीजिए और इसको ऊपर की तरफ सिलेक्शन इसका कर लीजिए। ऊपर की तरफ सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से आप फंक्शन यूज करिए अप का, तो आप देखेंगे आपकी जो वैल्यू थी वो अप की तरफ इंपोर्ट हो चुकी है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका फिल के बाद एक्रोस वर्कशीट का। अब ये एक्रोस वर्कशीट अगर आप देखेंगे तो अभी हमारे सामने एक्रोस वर्कशीट डिसेबल है। अगर आप अपने इस शीट को एक से अधिक शीट के अंदर कॉपी करना चाहते हैं तो उसका यूज आप इस ऑप्शन से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे शीट वन, शीट टू, शीट थ्री के अंदर हमारा कोई भी डेटा नहीं है, तो इन तीनों शीट्स पर मैं चाहता हूँ मेरा यही डेटा सेम एज इट इज पेस्ट हो जाए, यानी कॉपी होकर के पेस्ट हो जाए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, शीट को एकदम सिलेक्ट करके रखना है। शीट को सिलेक्ट करने के बाद आपको आ जाना है अपने शीट्स के ऊपर। शीट्स के ऊपर आने के बाद आपको क्या करना है, यानी आपकी जो शीट है जिसपे आपका डेटा है उस वाली शीट को आपको सिलेक्ट करके रखना है। इसके बाद अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है शिफ्ट,
और शिफ्ट के साथ आपको सबसे लास्ट जहां तक आपको ये कॉपी चाहिए, जहां तक आप अपने डेटा को कॉपी करना चाहते हैं जितनी शीट्स तक, वहां पर क्लिक कर दीजिए। तो हम यहां पर 3 पर क्लिक कर देते हैं, तो ये बाकी की जितनी भी शीट्स होगी उन सबको ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। अब आपको करना क्या है, आपको वापस से आ जाना है उसी ऑप्शन पर, यहाँ से आपको जाना होगा फिल वाले ऑप्शन पर, और यहाँ से आप देखेंगे आपका ये जो ऑप्शन था यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने 3 ऑप्शंस यहाँ पर ओपन हो गए। सबसे पहला ऑप्शन है ऑल, यानी कि जो भी आपका डेटा, जो भी आपका कंटेंट है वो पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं आप अदर शीट्स के ऊपर। दूसरा ऑप्शन आपसे बोलता है कंस्टेंट, यानी कि आप सिर्फ कंटेंट चाहते हैं, आप फॉर्मेटिंग नहीं चाहते हैं। और तीसरा ऑप्शन है आपका फॉर्मेट्स, आप सिर्फ फॉर्मेट को चाहते हैं, ना ही डेटा चाहते हैं ना ही कंस्टेंट चाहते हैं। तो मैं एक एक करके आपको तीनों के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। सबसे पहले हम ऑल को सिलेक्ट करके यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम बाकी की शीट्स पर क्लिक करते हैं, तो बाकी की शीट्स पर आप देखेंगे यहाँ पर आपका ये डेटा सेम एज इट इज पेस्ट हो चुका है। अब वापस से हम इसी शीट पर आ जाते हैं और इसके बाद प्रेस करते हैं कंट्रोल सेट। कंट्रोल जेड प्रेस करने के बाद आप देखेंगे शीट 1, शीट 2, शीट 3 के ऊपर कोई भी डेटा अभी नहीं है। तो हम फिर से वापस अपने उसी ऑप्शन पर जाते हैं, शीट्स को हमने सेलेक्ट कर रखा है पहले से ही, और सेलेक्ट करने के बाद हम चले जाते हैं अपने वापस उसी ऑप्शन पर, और ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर अक्रॉस वर्कशीट पर फिर से क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम ले लेते हैं कंस्टेंट, यानी हमें सिर्फ कंटेंट चाहिए और बाकी कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद आप देखेंगे शीट 1, शीट 2, शीट 3 के अंदर आपका कंटेंट आ गया। यहाँ पर आप देखें, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये आपका जो कंटेंट था वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया और यहाँ पर कोई भी फॉर्मेटिंग आपकी शो नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पर फिर से कंट्रोल जेड कर लेते हैं। कंट्रोल जेड करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हम तीसरा ऑप्शन यूज करके देखते हैं। हमने डेटा पहले से ही सिलेक्ट किया हुआ है, शीट को पहले से ही सिलेक्ट किया हुआ है। फिल में जाने के बाद हम यहाँ से यूज करते हैं अप्रोच वर्कशीट, और यहाँ पर हम फॉर्मेट को सिलेक्ट करके यहाँ पर ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आप देखेंगे आपका सिर्फ फॉर्मेट यहाँ पर पेस्ट हुआ है, बाकी कोई भी चीज़ आपकी पेस्ट यहाँ पर नहीं हुई है। तो ये था हमारा अप्रोच वर्कशीट, ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है आप एमएस एक्सेल का। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सीरीज का। सीरीज पर आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जिसमें रो है, कॉलम्स हैं, लाइनर है, ग्रोथ है, डेट है, ऑटोफिल है, और बाकी आप देखेंगे यहाँ पर जो तीसरा पार्ट है डेट यूनिट्स का, उसमें डे, वर्क डे, मंथ और ईयर है। तो सबसे पहले सीरीज इन है, टाइप है, उसके बाद डेट यूनिट्स हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेंड है, और स्टेप वैल्यू है और स्टॉप वैल्यू है। तो इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन आप इन चीज़ों को सीखें जरूर, ये बहुत ही काम का फंक्शन है। तो इसके लिए थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर हम कोई वैल्यू टाइप कर लेते हैं, 1 हमने टाइप कर लिया है, उसके बाद हमने इसको कॉलम वाइज सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से, हम इसे कॉलम वाइज सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, और उसके बाद जाते हैं अपने इसी ऑप्शन पर यानी फिल वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर जाकर के हम लोग सीरीज को सिलेक्ट करेंगे। सीरीज को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अभी हम कॉलम का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर कॉलम को सिलेक्ट करके रखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे लाइनर्स, तो हम यहाँ पर फिलहाल लाइनर को सिलेक्ट करके रखते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू। पहले मैं आपको बता देता हूँ ये स्टेप वैल्यू क्या होती है और स्टॉप वैल्यू क्या होती है। स्टेप वैल्यू वो वैल्यू होती है जो हमारे डेटा के अंदर ऐड की जाती है, और स्टॉप वैल्यू वो होती है, ये जब तक ऐड होगी, जब तक वो वैल्यू हमारी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक ये वैल्यू हमारी ऐड होती रहेगी। तो इसका मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे स्टेप वैल्यू के अंदर हमने 1 रखा हुआ है, और स्टॉप वैल्यू के अंदर हमने दे दिया यहाँ पर मान लीजिए 10 दे दिया। तो ये 1 तब तक इस 1 में प्लस होता रहेगा जब तक ये वैल्यू 10 नहीं हो जाती। तो हम इसे ओके करके देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये वैल्यू 10 तक यहाँ पर कंप्लीटली फिल हो चुकी है। इसके बाद ये तो कॉलम था, अगर रो वाइज आप इसको करना चाहते हैं तो रो को सिलेक्ट करके रखिए। रो को सिलेक्ट करने के बाद वापस से चले जाइए फिल के अंदर, और यहाँ पर ले लीजिए सीरीज। सीरीज लेने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सेम वही चीज़ फिर से रखनी है। यहाँ पर रो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया आपका, 1 से लेकर के आपको स्टॉप वैल्यू कब तक चाहिए जहाँ तक आप इसको रखना चाहते हैं, यानी ये 1 इस 1 के अंदर तब तक प्लस होगा जब तक कि ये वैल्यू नहीं आ जाती। तो हम यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं, लाइक हमने दे दिया यहाँ पर 10, और 10 देने के बाद हम यहाँ पर ओके करते हैं। तो ओके करने के बाद आप देखेंगे ये वैल्यू इसके अंदर 1111 करके पेस्ट होती चली गई, और जब तक इसकी एंडिंग वैल्यू 10 नहीं आ गई तब तक ये कम्प्लीटली इसमें 1 ऐड होता चला गया। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपका ग्रोथ। अब ये ग्रोथ ऑप्शन क्या काम करता है, ग्रोथ पर हम क्लिक कर लेते हैं। कॉलम वाइज सिलेक्ट करने के बाद आप चले जाइए वापस से फिल वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर सिलेक्ट करिए आपका सीरीज ऑप्शन। सीरीज ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है ग्रोथ का। तो कॉलम वाइज में ग्रोथ क्या काम करेगा, यहाँ पर स्टेप वैल्यू के अंदर हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने टाइप कर दिया यहाँ पर 2, तो ये 2 वैल्यू तब तक ऐड होती रहेगी जहाँ तक हमारा सिलेक्शन रहेगा। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर ओके करके दिखाता हूँ। अब हुआ क्या, आप देखेंगे यहाँ पर 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे
टू से टू मल्टीप्लाई हुआ तो फोर हुआ, टू मल्टीप्लाई हुआ तो एट हुआ, और एट से टू मल्टीप्लाई हुआ तो 16 हुआ। इस तरीके से सीरीज तब तक चलती रहेगी जब तक आपका सिलेक्शन एंडिंग नहीं हो जाता। तो ये आप मल्टीप्लीकेशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, वो ऑप्शन है हमारा डेट का। अब ये डेट ऑप्शन किस तरीके से काम करता है, तो ये आज की डेट है और इसके बाद हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब हम चले जाते हैं वापस से किस वाले ऑप्शन पर, वापस से फिल पे चले जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर डेट पहले से ही सिलेक्ट हो चुका है। अब डेट के अंदर आप देखेंगे सबसे पहला है वीक डे, सबसे पहला ऑप्शन है डे। तो यानी जब भी हम इस पर क्लिक करके यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे, ओके प्रेस करने के बाद होगा क्या, आप देखिए खुद क्या हो रहा है, यहाँ पर डेट वाइज आपका ये सिलेक्शन हो रहा है, यानी कि 22 के बाद 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर मैनेज कर दे रहा है। तो इस तरीके से आप इसकी फिलिंग कर सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, वो ऑप्शन है हमारा वीकडे का। एक्सेल के अंदर वीकडे बेसिकली क्या होता है, एक्सेल के अंदर वीकडे सैटरडे और संडे को छोड़ करके जो बाकी के दिन होते हैं वो वीकडे कहलाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम वीकडे को सिलेक्ट करके ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारी जो भी डेट्स आई है वो 22 तारीख, 23 तारीख, उसके बाद सीधे 26 तारीख आ गई, यानी सैटरडे और संडे को इसने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। अब मैं आपको कैलेंडर में इस चीज को दिखा देता हूँ, रिप्रेजेंट करा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे यानी 23 तारीख तक तो यहाँ पर शो अप कर रहा है, उसके बाद 24 तारीख और 25 तारीख को देखेंगे तो 24 तारीख हमारा क्या है, यहाँ पर सैटरडे है, और 25 तारीख हमारा क्या है, यहाँ पर संडे है, जिसकी वजह से हमारी ये डेट्स यहाँ पर नहीं आ रही है। तो वीकडे को क्या करेगा, ये यहाँ से रिमूव कर देगा, वो डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करेगा। और इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मंथ का, मंथ को सिलेक्ट करके जैसे आप यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे, ओके प्रेस करने के बाद होगा क्या, यहाँ पर आप देखिए आपका मंथ चेंज हो जाएगा। 7 के बाद 8 मंथ, 9 मंथ, 10 मंथ, 12 मंथ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से आपका ये मंथ शो अप हो जाएगा। डेट आपकी वही रहेगी, ईयर आपका वही रहेगा, बट मंथ चेंज होता चला जाएगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, वो है हमारा ईयर का। तो यहाँ पर वापस से हम इसी ऑप्शन पर चले जाते हैं और वापस से क्लिक करके ईयर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग ओके। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हुआ क्या, ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो भी हमारा डेटा था यहाँ पर ईयर चेंज हो चुका है। ये देखिए 2021, 2022, 2023, लेकिन डेट और मंथ दोनों सेम है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप अगर कोई डेटा फिलअप करना चाहें तो इस तरीके से आप डेटा को फिलअप कर सकते हैं। तो ये तो था डेट वाला ऑप्शन। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, वो है हमारा सीरीज के अंदर ट्रेंड का। अब ये ट्रेंड क्या काम करता है, ट्रेंड बेसिकली होता है ट्रेंड के लिए हम यहाँ पर कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पर 1 और उसके बाद लास्ट में हमने ले लिया यहाँ पर 100। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसके बीच में ये डिवाइडेशन हो करके बीच की जो भी वैल्यू हो वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाए। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर वापस से सीरीज के अंदर जाएंगे और यहाँ से यूज करेंगे ट्रेंड, और ट्रेंड सेलेक्ट करके जैसे हम ओके करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर इसकी जो बीच की वैल्यूज थी वो फुलफिल हो चुकी है डिवाइड होकर के, और बाकी 100 तक ये लास्ट आपकी सीरीज बन चुकी है। तो इस तरीके का अगर आपका कोई डेटा हो तो आप इस तरीके से आप इसको एडिट कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। मोस्टली कभी कभी हमारे पास इस तरीके का डेटा आ जाता है जो हमें इस तरीके से डिवाइडेशन करना पड़ता है, तो इसमें आपके सामने ऑप्शन है, इसको आप बहुत इजी तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा सीरीज के अंदर, वो है ऑटो फिल का। डेटा को हम लोग सिलेक्ट करके रखते हैं और यहाँ पर चले जाते हैं फिल वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग ऑटो फिल। ऑटो फिल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जैसे हम ओके करेंगे तो ये सेम वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर देगा, यानी सेम वैल्यू को यहाँ पर फिल कर देगा। तो ये सारे ऑप्शन आपके जो थे वो सीरीज के अंदर थे, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, वो ऑप्शन है जस्टिफाई का। अब ये जस्टिफाई क्या काम करता है, हम यहाँ पर बेसिकली एक टेक्स्ट टाइप करते हैं जैसे एक्सेल इंफोटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अब इतना लिखने के बाद हमने एंटर प्रेस किया और इसको सिलेक्ट किया, इसको मैं मैनेज करना चाहता हूँ, इसके सेल्स के साइज को थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूँ। इंक्रीज करने के बाद इसको सिलेक्ट करके हम चले जाते हैं फिल वाले ऑप्शन पर। फिल वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर, आप देखेंगे जो जस्टिफाई का ऑप्शन था ये यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है। इस जस्टिफाई ऑप्शन पर हम जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका साइज था वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली मैनेज हो चुका है। ये देखिए आपका जो कॉलम की विड्थ थी उसके हिसाब से आपका जो डेटा था यहाँ पर मैनेज हो चुका है। इसी तरीके से अगर आप अपने डेटा को मैनेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कॉलम की विड्थ के हिसाब से अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं, यानी ये इसको जस्टिफाई कर देगा, यानी आपके डेटा के कंटेंट्स को ये जस्टिफाई करता है। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया कमल कुमार पांडे और उसके बाद एंटर प्रेस करने के बाद मैं इसको जस्टिफाई करता हूं। उसको जस्टिफाई करने के लिए हम लोग चले जाएंगे वापस से फिल वाले ऑप्शन पर,
तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो मैसेज है वो यहाँ पर क्या शो कर रहा है, ये बता रहा है टेक्स्ट विल एक्सटेंड बिलो सिलेक्टेड रेंज, यानी जो हमारा टेक्स्ट है वो एक्सटेंड होगा जो भी हमने रेंज सेलेक्ट कर रखी है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर ओके करिए। यहाँ पर आप देखिए कमल कुमार पांडे जो है अपने इस सेल के हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफाई ऑप्शन यूज करने के बाद इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है फ्लैश फिल का। तो फ्लैश फिल ऑप्शन क्या काम करता है, फ्लैश फिल बेसिकली एक बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है एमएस एक्सेल का। पहले हमें इस फ्लैश फिल को यूज करने के लिए बहुत सारे फॉर्मुलेज यूज करने पड़ते थे। लेटेस्ट वर्जन जो भी हमारा अपडेट हुआ है एमएस एक्सेल का उसमें इन्होंने फ्लैश फिल का जो ऑप्शन दिया है जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे काम बहुत ही ईजी हो जाते हैं। तो मैं आपको एक एक करके इसके काफी सारे एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर मोहन कुमार, यानी हमने यहाँ पर कुछ नेम्स लिखे हुए हैं जिसमें मोहन कुमार, कमल शर्मा, दीपक सिंह, अमित, आदित्य त्यागी और पवन ठाकुर हैं। अब मैं यहाँ पर फ्लैश फिल क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसके फर्स्ट नेम को अलग करना और फ्लैश फिल करना, यानी कि इसके सर नेम को अलग करना, इसको भी फ्लैश फिल करना। तो यहाँ पर आपको एक बार इसको टाइप कर लेना होगा। टाइप करने के बाद आपको इस एरिया को सिलेक्ट करना है जहाँ पर आप इसको फ्लैश फिल करना चाहते हैं। इसके बाद इस वाले ऑप्शन पर जा करके यहाँ से आप फ्लैश फिल इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आप फ्लैश फिल करेंगे आप देखेंगे आपका जो भी यहाँ पर डेटा था वो डेटा यहाँ पर फ्लैश फिल होकर के आ चुका है। इसी तरीके से इसमें से अगर आप कुमार को यहाँ से फ्लैश फिल करना चाहते हैं तो सिंपली कुमार को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से जाकर के आपको फ्लैश फिल पे क्लिक कर देना होगा। आप देखेंगे इसका जो सरनेम था वो यहाँ से फ्लैश फिल हो चुका है। इसी तरीके से इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे मोहन कुमार है, तो यहाँ पर मान लीजिए हम लिख लेते हैं एम कुमार। इसका जो फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर है मैं उसे पहले चाहता हूँ कि वो वर्ड हमारे सामने पहले आ जाए, उसके बाद उसका सरनेम यहाँ पर शो करे। तो उसके लिए क्या करना है आपको, सेम इसी तरीके से डेटा को सिलेक्ट करना है। यही ऑप्शन मैं आपको बताऊँ, डेटा टाइप के अंदर अगर आप जाते हैं तो डेटा टाइप के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे डेटा वैलिडेशन के ऊपर आपको फ्लैश फिल का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे जाता है। तो यहाँ से भी आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ये फ्लैश फिल आपको यहाँ भी मिलता है और ये फ्लैश फिल आपको होम टैब के अंदर भी मिलता है। तो इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पर एम यानी एम कुमार यानी मोहन कुमार, ए शर्मा यानी कि कमल शर्मा, डी सिंह यानी कि दीपक सिंह, ए त्यागी यानी आदित्य त्यागी, पी ठाकुर यानी कि पवन ठाकुर, इस तरीके से आपका यहाँ पर ये डेटा रिप्रेजेंट कर देगा। इसका जो तीसरा एग्जांपल है यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप इसके सरनेम का और इसके फर्स्ट नेम का दोनों का ही शुरू का वर्ड चाहते हैं, जैसे यहाँ पर मोहन कुमार है और यहाँ पर हमने लिखा है एम के यानी मोहन कुमार शॉर्ट में, अगर इस तरीके से आप उसको फ्लैश फिल करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप इसको फ्लैश फिल कर सकते हैं। आपको एक बार एम के लिखना होगा, लिखने के बाद आपको एरिया सेलेक्ट करना होगा, एरिया सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना होगा फ्लैश फिल वाले ऑप्शन पर और इस पर सिंपली क्लिक कर देना होगा। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके जो भी अल्फाबेट्स थे वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे, जैसे मोहन कुमार का एम के है, कमल शर्मा का के एस है, दीपक सिंह का डी एस है, आदित्य त्यागी का ए टी है, पवन ठाकुर का पी टी है। तो इस तरीके से आप इसको फ्लैश फिल कर सकते हैं। इसके बाद इसका एक और एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आप इस नाम के आगे श्री, मिस्टर या कुछ भी लगाना चाहते हैं तो वो भी काम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इन सभी कामों के लिए पहले हमें बहुत सारे फॉर्मुलों का यूज करना पड़ता था 2007 वर्जन के अंदर। अब 2019 के अंदर ये लेटेस्ट वर्जन अपडेट हुआ है हमारा जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स इन्होंने एक्स्ट्रा दिए हैं, तो मैं एक एक करके आपको सभी फीचर्स के बारे में बताऊंगा। इसकी मैंने पूरी सीरीज आपकी बना रखी है, आप मेरी सीरीज को देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने सभी ऑप्शंस का यूज बताया हुआ है। तो चलिए इसका भी यूज मैं आपको करके दिखाता हूं। इसके लिए करना क्या होगा, आपको एक बार यहां पर नाम टाइप करना होगा। जैसे मैं टाइप कर लेता हूं श्री मोहन कुमार लिखने के बाद एंटर प्रेस करिए और इसको पूरा डेटा को इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद चले जाइए वापस से फ्लैश फिल वाले ऑप्शन पर। इस ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये ऑप्शन हमारा फ्लैश फिल हो चुका है। आप देखेंगे हर एक पर्सन के नाम के आगे श्री यहाँ पर लग चुका है। तो इस तरीके से भी आप इसे फ्लैश फिल कर सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये बहुत ही कमाल का ऑप्शन है, ये बेसिकली कई तरीके से फ्लैश फिल करता है। यहाँ पर आप देखेंगे हमने वही नाम फिर से लिए हुए हैं और साथ के साथ उनका एड्रेस और उनका पिन कोड भी हमने यहाँ पर लिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पर उनका सिर्फ नाम चाहिए तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आपको सिर्फ उनका नाम निकालना है इसमें से, उनका एड्रेस और उनका पिन कोड नहीं चाहिए आपको, तो यहाँ पर आप नाम टाइप कर दीजिए, जैसे मोहन कुमार लिखने के बाद आपको क्या करना है, डेटा को सिलेक्ट करना है और वापस से जाना है फ्लैश फिल वाले ऑप्शन पर। और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका डेटा यहाँ से फ्लैश फिल हो चुका है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नाम को इसने इस पूरे डेटा में से निकाल करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरीके से अगर आप ये चाहते हैं कि भाई इसका स्टेट मुझे चाहिए यानी स्टेट अलग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, जैसे मैंने लिख दिया आगरा, और आगरा लिखने के बाद मैंने डेटा को सिलेक्ट किया। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद फ्लैश फिल पर जैसे क्लिक किया आप देखेंगे आपके जितने भी स्टेट्स थे यहाँ पर उन सभी स्टेट्स को यहाँ से निकाल करके उसने अलग से आपको रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद अगर हम पिन कोड की बात करें तो यहाँ पर मान लीजिए हमने एक पिन कोड लिखा हुआ है किसका, मोहन कुमार का
293125। और अब मैं इसके पिन कोड्स को अलग करना चाहता हूँ, इसके पिन कोड्स को मैं फ्लैश फिल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर डेटा को सिलेक्ट करेंगे और फ्लैश फिल पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे इन सभी का जो भी पिन कोड था वो यहाँ पर अलग से रिप्रेजेंट। तो ये फ्लैश फिल बहुत ही कमाल का ऑप्शन है हमारे एमएस एक्सेल का। के बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके लिए हम वापस से अपनी उसी पुरानी शीट पर चले जाते हैं और उसके बाद होम टैब पर जाने के बाद यहाँ पर हम वापस से आ जाते हैं इसी ऑप्शन पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्लियर्स का ऑप्शन है, जिसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन आपका क्लियर का। आप किसी भी डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ से उसे क्लियर करना चाहते हैं, तो जैसे आप क्लियर ऑल करेंगे पूरा का पूरा डेटा आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, आप यहाँ पर देखेंगे क्लियर फॉर्मेट्स, यानी कि अगर आप इस फॉर्मेट को क्लियर करना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट करिए और यहाँ से जाकर के क्लियर फॉर्मेट्स पे क्लिक कर दीजिए। जो भी आपने फॉर्मेटिंग इसमें कर रखी होगी वो सारी फॉर्मेटिंग यहाँ से क्लियर हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका वो है कंस्टेंट, यानी इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपका कंटेंट होगा वो भी आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका वो है क्लियर कमेंट्स। अगर आपने इसमें कोई कमेंट लगा रखा है तो पहले मैं आपको कमेंट लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको जाना होगा रिव्यू टैब के अंदर। रिव्यू टैब के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने कमेंट्स के कुछ ऑप्शन शो हो जाएंगे। मान लीजिए मैंने हिस्ट्री को सिलेक्ट किया और यहाँ पर कुछ कमेंट लिख दिया हेलो, और इस कमेंट को मैं चाहता हूँ यहाँ से रिमूव करना। मैं जब भी इसके ऊपर आता हूँ तो ये मुझे हेलो का कमेंट देता है, तो इस कमेंट को अगर मुझे रिमूव करना है हटाना है तो मैं क्या करूँगा, होम टैब में जा करके वापस से क्लियर ऑप्शन पे जा करके यहाँ से यूज करूँगा क्लियर कमेंट्स का। क्लियर कमेंट ऑप्शन जैसे मैं यहाँ पर यूज करूंगा आप देखेंगे यहाँ से जो कमेंट का ऑप्शन था वो यहाँ से क्लियर हो चुका है। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लियर हाइपर लिंक, यानी अगर आप इसके ऊपर लिंक लगा देते हैं किसी डेटा के ऊपर, अगर आपने लिंक लगाया हुआ है, जैसे मान लीजिए मैंने टोटल को सिलेक्ट किया और यहाँ पर कंट्रोल के प्रेस किया, कंट्रोल के हाइपर लिंक की शॉर्टकट की है, हाइपर लिंक की वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ कि लिंक कैसे लगाया जाता है। आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको ले लेना है कोई भी फाइल जिसके ऊपर आप इसे लिंक लगाना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट की एक हमारी फाइल है, इसको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया और इसे मैंने कर दिया ओके। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारा लिंक लग चुका है। जब भी मैं इस टोटल पे जाकर के क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पर इसे ओके करूंगा, तो ओके करने के बाद आप देखेंगे ड्रॉप डाउन की जो फाइल थी हमारी यहाँ पर ये ओपन हो चुकी है। तो अब इसी तरीके से अगर आप इस लिंक को क्लियर करना चाहते हैं, इस लिंक को यहाँ से हटाना चाहते हैं, तो इस सेल को आपको एक बार सेलेक्ट करके रखना होगा। सेलेक्ट करके रखने के बाद क्लियर वाले ऑप्शन पर जाना होगा और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा क्लियर हाइपर लिंक का। इस क्लियर हाइपर लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए इसके ऊपर जब भी आप जाएंगे तो यहाँ पर अब लिंक आपका शो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप लिंक यूज कर सकते हैं। लिंक यूज करने के बाद हमने इसको कंट्रोल जेड कर दिया, इस पर फिर से वापस से लिंक लगा दिया है और इसके बाद अब इस लिंक को ही मुझे क्लियर करना है, यानी लिंक को मैं चाहता ही नहीं कि इस पर लिंक लगा हो। तो उसके लिए वापस से चले जाइए इसी वाले ऑप्शन पर और क्लियर वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपका नेक्स्ट ऑप्शन होगा रिमूव हाइपरलिंक। रिमूव हाइपरलिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो भी लिंक था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से लिंक को यहाँ से क्लियर कर देता है। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे शॉर्ट एंड फिल्टर का हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है। बेसिकली लोगों को शॉर्ट एंड फिल्टर तो आता है, लेकिन इसके अंदर जो हमारे एक ऑप्शन है कस्टम सॉर्ट का, ये कस्टम सॉर्ट का ऑप्शन काफी लोगों को नहीं आता, तो मैं इन सभी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा सॉर्ट ए टू जेड, यानी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सबसे पहले आप स्मॉल वैल्यू लेना चाहते हैं, उसके बाद लार्ज, उसके बाद लार्ज, उसके बाद लार्ज, यानी सबसे पहले लोएस्ट वैल्यू, उसके बाद हाइएस्ट, हाइएस्ट, हाइएस्ट। तो इसी तरीके से दूसरा जो ऑप्शन है आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपका हाईएस्ट होगा, उसके बाद लोएस्ट होगा। सबसे पहले आपकी सबसे बड़ी वैल्यू शो होगी, उसके बाद उसकी उससे लो। इस तरीके से आपका ये जो डेटा है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ से मैं शीट पर इस फिल्टर को लगा के आपको दिखा देता हूँ। डेटा को सिलेक्ट करेंगे हम लोग, इसकी शॉर्टकट की है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, आप इससे भी इसको लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। और मैं यहाँ से फिल्टर को सिलेक्ट करके यहाँ पर फिल्टर को लगा देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन है, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो फिल्टर हमारा यहाँ पर लग चुका है। अब यहाँ पर मैं टोटल को असेंडिंग और डिसेंडिंग में करना चाहता हूँ, तो अभी आप देखेंगे 256, 268 और यहाँ पर जो हमारा वैल्यूज है वो कॉम्बिनेशन एंट्री है, कॉम्प्लेक्स है, मिली जुली है। और अब आपको इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना होगा और इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपका ये ऑप्शन यहाँ पर भी शो हो जाएगा, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका सबसे पहले स्मॉल वैल्यू, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, इस तरीके से आपका डेटा एनालाइज हो जाएगा। इसी का अपोजिट है लार्जेस्ट टू स्मॉल, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आप इसे चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं इसी तरीके से। तो ये था हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन। इसके बाद इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आता है हमारा कस्टम सॉर्ट का। इसके बाद मैं आपको और भी ऑप्शंस फिल्टर के बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे आप बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, जिसमें आप सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉल मैं आपको बता चुका हूँ।
सॉर्ट की अगर हम बात करें तो कस्टम सॉर्ट में अभी आपको बताऊंगा कि कस्टम सॉर्ट का किस तरीके से यूज किया जाता है। इसके बाद के जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस क्लियर करने के लिए हैं, फिल्टर वगैरह क्लियर करने के लिए ऑप्शंस हैं। नंबर्स के थ्रू अगर आपको सॉर्ट एंड फिल्टर करना है तो यहाँ से आप नंबर के थ्रू आप इसे सॉर्ट एंड फिल्टर कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे इक्वल, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इस तरीके की कंडीशन लगा करके आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आप देखेंगे सभी लोगों के रोल नंबर्स यहाँ पर शो अप हो रहे हैं। रोल नंबर्स को हमने यहाँ पर सिलेक्ट ऑल हटा दिया। अगर मुझे सिर्फ रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2 की डिटेल देखनी है तो मैं उस डेटा को यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा, सिंपल ओके करूंगा, तो आप देखेंगे 1 और 2 का यहाँ पर डेटा दिखाई दे रहा है, बाकी किसी का भी डेटा शो अप नहीं हो रहा। अगर आपको सबका डेटा चाहिए तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑल पर वापस से क्लिक करिए, ओके करिए, तो ये फिल्टर कर देगा, यानी आपका सारा डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देगा। इस फिल्टर को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, वापस से सॉर्ट एंड फिल्टर वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से क्लियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो क्लियर वाले ऑप्शन पर होगा क्या, यहाँ पर जो भी हमने कंडीशंस यहाँ पर लगा रखी है वो फिल्टर की कंडीशन यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। अगर आपको पूरा का पूरा फिल्टर ही हटाना है तो आपको क्या करना होगा, वापस इसी ऑप्शन पर जाना होगा और यहाँ से आपको इस फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये फिल्टर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद का जो ऑप्शन आप देखेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आपका कस्टम सॉर्ट का भी है, कस्टम सॉर्ट किस तरीके से यूज किया जाता है। तो कस्टम सॉर्ट का जो ऑप्शन है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कलर्स को फिल कर लेते हैं। जैसे मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसको कलर्स को हाईलाइट कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर कोई भी कलर ले लिया, और इसी तरीके से यहाँ पर सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर भी कोई दूसरा कलर सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद यहाँ पर भी सिलेक्ट करके मैंने इसके अंदर कोई तीसरा कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कलर्स के थ्रू इसको शॉर्टिंग करना, यानी पॉलिटिकल के जो भी मेरे मार्क्स हैं वो कलर्स के थ्रू शॉर्टिंग हो जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप इस डेटा को सिलेक्ट करके रखेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे वापस से सॉर्ट एंड फिल्टर वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर चले जाएंगे कस्टम सॉर्ट वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कस्टम सॉर्ट का ऑप्शन, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने एक मैसेज आएगा जिसमें सबसे पहला मैसेज आपका एक्सपेंड द सिलेक्शन और सेकंड जो ऑप्शन है आपका कंटिन्यू द करंट सिलेक्शन, यानी कि हम कंटिन्यू करना चाहते हैं करंट सिलेक्शन पर, तो हम करंट सिलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर शॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक करेंगे। शॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने कुछ मेन्यूज यहाँ पर ओपन हो जाएंगे और उसके अंदर आपको अपना मेन्यू सिलेक्ट करना है। आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का आपका मेन्यू यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही सिलेक्ट है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आप इस सॉर्टिंग को कितने तरीके से यूज करना चाहते हैं, सेल कलर्स पर यूज करना चाहते हैं, सेल वैल्यूज पर यूज करना चाहते हैं, फॉन्ट कलर्स पर यूज करना चाहते हैं, या कंडीशन फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग आप इसको यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सेल कलर, मैं सेल कलर के अकॉर्डिंग इसको सॉर्टिंग करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे आपके जितने भी कलर्स आपने वहाँ पर दिए हुए हैं वो सभी के सभी यहाँ पर शो अप हो जाएंगे। तो आप टॉप पे कौन सा फिल्टर लगाना चाहते हैं, तो टॉप पे मैं चाहता हूँ ब्लू फिल्टर करना, तो यानी ब्लू वाले कलर को मैं चाहता हूँ ऑन टॉप, ये बिल्कुल टॉप पे आए। इस पर जैसे मैं ओके करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा ब्लू वाला डेटा था वो यहाँ टॉप पे शो हो गया, इसके बाद का हमारा डेटा यहाँ पर शो अप हो गया। उसके बाद आप चाहते हैं येलो वाला पोर्शन आपका बीच में आना चाहिए और ये वाला कलर आपका नीचे आना चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, वापस इसी सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएंगे, कस्टम सॉर्ट पे वापस से क्लिक करेंगे, कंटिन्यू द करंट सिलेक्शन पर सिलेक्ट करते हुए इसे सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सिंपली प्लीज कलर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से ले लेना है आपको टॉप ऑन बॉटम। ऑन बॉटम को सिलेक्ट करके जैसे आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपका यहाँ पर ऑन बॉटम सिलेक्शन हो चुका है। तो इस तरीके से आप सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज कर सकते हैं, इसकी सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो ये फिल्टर का सारे ऑप्शन थे। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर फाइंड ऑप्शन की, तो आप देखेंगे नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है फाइंड ऑप्शन। इसके अंदर फाइंड एंड सिलेक्ट का ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन हमारा फाइंड। तो फाइंड का मतलब होता क्या है, फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, किसी भी डेटा को अगर हम ढूंढना चाहते हैं तो इसकी मदद से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने दो ऑप्शन है, एक पहला है फाइंड का और दूसरा है रिप्लेस का, यानी उस डेटा को हटा करके आप दूसरा डेटा भी यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर फाइंड करना चाहता हूँ 78 को, तो 78 मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। 78 टाइप करने के बाद मैंने इसको फाइंड किया, जैसे मैंने इसको फाइंड किया आप देखेंगे यहाँ पर कर्सर पे वो ऑटोमेटिकली पहुंच गया है। और उसके बाद इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ 78 की जगह 58 से, तो जैसे मैं यहाँ पर रिप्लेस पे क्लिक करूंगा तो रिप्लेस कर देगा वो इस डेटा को। यहाँ देखिए 78 की जगह हमारे पास 58 रिप्रेजेंट हो गया। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर रिप्लेस ऑल का भी ऑप्शन है। रिप्लेस ऑल का मतलब ये होता है कि जितना भी डेटा आपने फाइंड किया हुआ है उन सभी डेटा को, यानी जितनी भी जगह आपका 78 डेटा होगा उस डेटा को हटा करके यहाँ पर 58 रिमूव कर देगा। वन बाय वन रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस ऑप्शन का यूज करेंगे। फाइंड ऑल करना है तो फाइंड ऑल पे क्लिक करते ही जहां जहां पर आपका 78 होगा ये वहां पर आपको रिप्रेजेंट करा देगा। फाइंड नेक्स्ट करने का मतलब ये होता है कि जहां जहां पर आपका ये डेटा होगा ये वहां वहां पर आपको रिप्रेजेंट करेगा, यानी इस जगह पर आपका 50 यानी इस जगह पर आपका 78 डेटा है। तो हम यहाँ पर इन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है गो टू। यहाँ पर जाते हैं, सबसे पहला ऑप्शन आपका फाइंड मैंने आपको बता दिया, रिप्लेस मैंने आपको बता दिया, इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारा गो टू। गो टू पे जाने के बाद जब आप गो टू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोई भी सेल का एड्रेस आप दे देते हैं, जैसे मैंने दे दिया E5। जैसे मैं E5 दे करके यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखें यह हमें उस वाले सेल पर ले जा करके जंप करा देगा। तो इस तरीके से हम उस जगह तक पहुंच सकते हैं जहाँ पर हमें जाना है। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा गो टू स्पेशल।
गो टू स्पेशल पे आप क्लिक करिए, आपके सामने देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहे हैं। इन सभी ऑप्शंस का यूज हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा कमेंट। उसके बाद इसे अगर डायरेक्टली आप ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल जी प्रेस करिए, कंट्रोल जी से आपका गो टू ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे स्पेशल का एक ऑप्शन है, इस स्पेशल वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका स्पेशल ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक ऑप्शन भी यहाँ पर एक्टिवेट किया हुआ है, इस सर्कल वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो भी आपका यहाँ पर गो टू स्पेशल ओपन हो जाएगा। तो ये चीज हमने किस तरीके से की है, इसके लिए आपको करना क्या है, आपके सामने एक ड्रॉप डाउन नजर आएगा, इस ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे लास्ट में लास्ट सेकेंड ऑप्शन आपका आएगा मोर कमांड्स का, इस मोर कमांड्स पे आपको क्लिक करना है। मोर कमांड्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जाना होगा पॉपुलर कमांड्स के ऊपर, और पॉपुलर कमांड्स में से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा ऑल कमांड्स। इस ऑल कमांड्स को जैसे आप सिलेक्ट करेंगे इसके बाद आप नीचे क्लिक करिए, नीचे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जी दबाइए, जी के बाद यहाँ पर सर्च करिए, यहाँ पर आपको गो टू स्पेशल यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये मिल गया हमें गो टू स्पेशल, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर ऐड करा दीजिए। मैंने पहले से इसको यहाँ पर ऐड किया हुआ है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सिंपल ओके कर देता हूँ। ये तो मैंने आपको सिर्फ एज अ नॉलेज के लिए बता दिया कि आप इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपली क्लिक करके डायरेक्टली गो टू को ओपन कर सकते हैं। तो मेरी जो आदत है वो मैं कंट्रोल जी दबा करके उसके बाद स्पेशली उसको ओपन करता हूँ, तो मैं वही तरीका यूज करूंगा, कंट्रोल जी दबाऊंगा और यहाँ पर स्पेशल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मेरे सामने ये फंक्शंस यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन आप यहाँ पर देखेंगे, इसका जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है कमेंट्स। अगर आप अपनी फाइल के अंदर कमेंट्स ढूंढना चाहते हैं, कमेंट्स देखना चाहते हैं, तो आप देखेंगे इस फाइल के अंदर हमने यहाँ पर दो जगह कमेंट्स लगा रखे हैं। जब भी हम इस पे क्लिक करके ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उन सेल्स को यहाँ पर हाईलाइट कर देगा। आप देखेंगे उन दोनों सेल्स को इसने हाईलाइट यहाँ पर कर दिया है, क्योंकि इन दोनों के ऊपर यहाँ पर कमेंट का हमने यूज किया हुआ है। तो इस तरीके से आप उस डेटा को यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है हमारा गो टू स्पेशल के अंदर वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कांस्टेंट के अंदर काफी सारे ऑप्शंस हैं, नंबर्स हो गया, टेक्स्ट हो गया, लॉजिकल्स हो गए, एरर्स हो गए। तो आप कांस्टेंट के अंदर किस चीज को ढूंढना चाहते हैं, तो कांस्टेंट के अंदर से हम फिलहाल अभी सभी चीजों को हटा देते हैं। सभी चीजों को हटाने के बाद सिंपली हमने नंबर्स को रखा हुआ है और उसके बाद हम यहाँ पर ओके करेंगे। जैसे हम यहाँ पर ओके करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने वो नंबर्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी एक नंबर्स है और यहाँ पर भी एक नंबर है, बट ये जो नंबर है ये फॉर्मूले के थ्रू लाया गया, यानी हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया हुआ है और ये जो नंबर है ये हमने हाथ से खुद से टाइप किया हुआ है। इस वजह से यहाँ पर जो हमारे वैल्यूज है वो हमारे कॉन्स्टेंटली शो हो रहे हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है हमारा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला पे आप क्लिक करके यहाँ पर भी आप देखेंगे वही सारे ऑप्शंस शो हो रहे हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं, नंबर देखना चाहते हैं, टेक्स्ट देखना चाहते हैं, लॉजिकल देखना चाहते हैं, एरर्स देखना चाहते हैं। तो मैं एक एक करके आपको सारे डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इन तीनों चेक मार्क्स को यहाँ से हटा देता हूँ, मैं अभी सिर्फ नंबर रखता हूँ और यहाँ पर ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो भी हमारा फॉर्मूला नंबर्स के अंदर यूज हुआ था वो हाईलाइट हो चुका है। इसके बाद फिर से कंट्रोल जी प्रेस करके मैं स्पेशल पर जाता हूँ। स्पेशल पर जाने के बाद यहाँ पर वापस से फॉर्मूला सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर नंबर को हटा करके मैंने यहाँ पर रखना है टेक्स्ट। टेक्स्ट को रख करके जैसे मैं यहाँ पर ओके करूंगा तो आप देखेंगे जहां पर भी हमारा टेक्स्ट लगा हुआ है, यानी टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज किया है हमने, वो सेल हमारा यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है। तो इसके बाद हम यहाँ पर लॉजिकल को देख लेते हैं, लॉजिकल ऑप्शन हमारा क्या काम करता है। तो कंट्रोल जी करते हैं हम लोग, स्पेशल पर जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं फॉर्मूला वाले ऑप्शन पर और यहाँ से हमने एरर्स को हटा दिया, बाकी लॉजिकल को रहने दिया। लॉजिकल के अंदर या तो टेक्स्ट होगा या नंबर होगा, इन दोनों चेक मार्क्स को हम यहाँ पर टिक रखेंगे और यहाँ पर सिंपली ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे आपका लॉजिकल वैल्यू यहाँ पर शो हो गई, यानी इन दोनों के अंदर हमने फॉर्मूला लगा रखा है जिसमें टेक्स्ट का भी फॉर्मूला है और नंबर्स का भी फॉर्मूला है, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर शो अप हो रहे हैं। ये था हमारा लॉजिकल ऑप्शन। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है हमारा एरर्स का, तो इन सभी टिक मार्क्स को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और रिमूव करने के बाद हम एरर को यहाँ पर रखते हैं। एरर को रखने के बाद यहाँ पर ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपके जो भी एरर्स थे वो यहाँ पर शो हो चुके हैं। हमने पहले से एरर का एक कॉलम बनाया हुआ था आपको समझाने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा वो है ब्लैंक सेल्स का। तो ब्लैंक सेल्स के हम किस तरीके से यूज करते हैं, हम चले जाते हैं शीट 1 के ऊपर। हमने देखिए यहाँ पर पहले से एक डेटा बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने कुछ सेल्स को ब्लैंक छोड़ा हुआ है। अब इन ब्लैंक सेल्स का करना क्या है, हमें डेटा को हम लोग एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी प्रेस करिए, कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद यहाँ से स्पेशल पे चले जाइए। स्पेशल पर जाने के बाद यहाँ से ब्लैंक को सिलेक्ट कर लीजिए। ब्लैंक को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिंपली ओके कर दीजिए। अब ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपकी जो रोज थी, जो ब्लैंक रोज थी, वो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है। आप कंट्रोल माइनस के साथ इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और एंटायर रो पे क्लिक करके यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आपका ये जो डेटा था वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, यानी जो ब्लैंक रो थी वो यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। इसी तरीके से आप कॉलम्स को भी डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से स्पेशल पे क्लिक करेंगे। स्पेशल पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर करंट रीजन का। अब ये करंट रीजन क्या है तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करिए
और कंट्रोल ए दबा दीजिए। कंट्रोल ए दबाने से आप देखेंगे करंट रीजन हमारा यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है, यानी जो भी डेटा था हमारा वो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। यही काम आप डायरेक्टली आप यहाँ से भी कर सकते हैं। कंट्रोल जी प्रेस करिए, स्पेशल पर जाइए और यहाँ से करंट रीजन पर सिलेक्ट करके आप ओके कर दीजिए, वो डेटा आपका यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट तरीका आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा हमारा करंट रीजन को सिलेक्ट करने का, तो डायरेक्टली आप इसकी शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं कंट्रोल ए करके। तो ये छोटा सा ऑप्शन था हमारा। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वो है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट किस लिए काम करेगा, तो ऑब्जेक्ट के लिए हम चले जाते हैं दूसरी शीट के ऊपर। सेकंड शीट पर जाने के बाद आप देखेंगे हमने कुछ पिक्चर्स ली हुई हैं, कुछ इमेजेस ली हुई हैं, और इसके बाद यहाँ पर हम कंट्रोल जी प्रेस करेंगे। कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद स्पेशल में जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद जैसे हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे, ओके प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपका जो भी ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। आप टैप की प्रेस करके यहाँ से शिफ्ट हो सकते हैं, वन पिक्चर से दूसरी पिक्चर पर मूव हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप टैप की का यूज करके एक दूसरे का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये भी हमारा एक छोटा सा ही टॉपिक था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है क्या, और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे रो डिफरेंट। अब ये रो डिफरेंट क्या काम करेगा, आप देखिए आपके पास एक डेटा है, इस डेटा में से हमने किसी भी डेटा को सिलेक्ट किया। अब आप देखेंगे सभी डेटा के अंदर सेम वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट है, जैसे 65 है तो 65 आपके पूरे रो के अंदर है, उसी तरीके से 36 पूरे रो के अंदर है। अब इनमें अगर डिफरेंटली बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू रॉन्ग आ गई है, यानी कोई वैल्यू जो है जो इसके साथ मैच नहीं हो रही है, तो उस रो डिफरेंट को ये क्या करेगा, यहाँ से फाइंड कर लेगा। सिंपली हम चले जाते हैं कंट्रोल जी प्रेस करके स्पेशल के अंदर और यहाँ से सिलेक्ट करते हैं रो डिफरेंट और यहाँ पर सिंपल कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके जो भी रो डिफरेंट थे वो यहाँ पर शो अप हो चुके हैं। यहाँ से आप चाहें तो इसके अंदर कलर फिल करके उसको हाईलाइट कर सकते हैं। सेम एज इट इज इसी तरीके से आपका कॉलम डिफरेंट का भी एक ऑप्शन है। आप डेटा को इस तरीके से सिलेक्ट करिए, कंट्रोल जी प्रेस करिए, स्पेशल पर जाइए और यहाँ से कॉलम डिफरेंट को सिलेक्ट करके यहाँ पर ओके कर दीजिए। आप देखेंगे आपके तीन डेटाबेस यहाँ पर भी हैं जो डिफरेंट है अपनी इस वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आप इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये हमारे रो और कॉलम डिफरेंस ऑप्शंस थे जो आप इस तरीके से इनको फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, आप फिर चले जाइए कंट्रोल जी प्रेस करके वापस इसी ऑप्शन पर और यहाँ पर आप देखेंगे आपका एक ऑप्शन है प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट। अब ये प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट क्या काम करता है, तो यहाँ पर हम छोटी सी एक वैल्यू टाइप कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम कोई भी दो तीन डिजिट्स की वैल्यू टाइप कर लेते हैं। इन वैल्यूज को टाइप करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू का यूज करने के बाद इन सभी वैल्यूज को यहाँ पे हम लोग सम कर लेते हैं, यानी इसको प्लस कर लेते हैं। प्लस करने के बाद इस पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद हम सिंपली चले जाएंगे कंट्रोल जी वाले ऑप्शन पर। कंट्रोल जी पर जाने के बाद स्पेशल पर क्लिक करिए और यहाँ पर आप चले जाइए प्रेसिडेंट्स के ऊपर। प्रेसिडेंट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे आप इसे ओके प्रेस करेंगे, ओके प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपकी तीनों सेल्स जो भी आपने इसमें प्लस की थी वो वैल्यू यहाँ पर शो अप हो चुकी है। तो ये थी हमारी रो प्रेसिडेंट। यही सेम वर्क आपका एक ऑप्शन और है जो यही काम करता है। इसके लिए आप चले जाइए फॉर्मूला टैब के अंदर, आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन है ट्रेस प्रेसिडेंट का और ट्रेस डिपेंडेंट्स का तो और रिमूव एरोज का। तो इन तीनों ऑप्शंस का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप टोटल करके रखिए और यहाँ पर ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक कर दीजिए। ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपकी जो भी वैल्यूज थी, जिन वैल्यूज को हमने इसके अंदर प्लस किया है, वो तीनों के तीनों वैल्यूज यहाँ विद एरो आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाती है। ये था हमारा रो प्रेसिडेंट। और अगर हम डिपेंडेंट्स की बात करें तो डिपेंडेंट्स क्या काम करता है, पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद मान लीजिए कि एक तो हमारा टोटल ये था, इसके अलावा हमने इज इक्वल टू का यूज किया और इसके अंदर हमने इस वैल्यू को यहाँ भी जोड़ा है और इस वैल्यू को हमने इसमें भी जोड़ा है। इसके बाद हम इसके ऊपर एंटर प्रेस करेंगे और इस वैल्यू को सिलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर जैसे ट्रेस डिपेंडेंट्स पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि इस वैल्यू का यूज यहाँ भी हुआ है और इस वैल्यू का यूज यहाँ भी हुआ है। तो इस तरह से आप ट्रेस कर सकते हैं प्रेसिडेंट्स को भी और ट्रेस डिपेंडेंट्स को भी। यही काम आप यहाँ एरो की मदद से भी कर सकते हैं और यही काम आप कंट्रोल जी करके यहाँ पर स्पेशल पे क्लिक करके। तो यहाँ पर आपको डेटा को सिलेक्ट करके रखना है और यहाँ पर प्रेस करना है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद स्पेशल पे क्लिक करना है और यहाँ पर चले जाना है डिपेंडेंट्स के ऊपर। डिपेंडेंट्स के ऊपर सिलेक्ट करके आप यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो ओके प्रेस करते ही आपको दिखा देगा इस वैल्यू का यूज आपने यहाँ भी किया हुआ है, इस वैल्यू का यूज आपने यहाँ भी किया हुआ। तो इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये तो एक छोटा सा फंक्शन था। इस डेटा के बिल्कुल नीचे आकर के हमने कोई डेटा यहाँ पर फिल कर दिया। फिल करने के बाद हम ऊपर डेटाबेस पे हैं और हमें जाना है बिल्कुल लास्ट सेल के ऊपर, यानी इसका जो लास्ट सेल है वो कौन सा है जहाँ पर हमारा डेटा फिलअप है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल जी और कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद स्पेशल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लास्ट सेल पे क्लिक करके ओके प्रेस करेंगे। तो ओके प्रेस करते ही देखिए इसने हमें पहुंचा दिया बिल्कुल लास्ट सेल पे, जो हमारा लास्ट सेल यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये हमारा लास्ट सेल था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन की, तो नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा है, विजुअल सेल ओनली। विजुअल सेल ओनली का क्या यूज होता है, तो यहाँ पर हम इसके लिए हमने पहले से ही एक शीट बनाई हुई है, हम ले चलते हैं आपको उस वाली शीट पर। यहाँ पर देखिए हमने सब टोटल किया हुआ है। अभी सब टोटल की वीडियो हमने पहले से ही बनाई हुई है, अगर आपको ये वीडियो देखनी है कि सब टोटल किस तरीके से निकाला जाता है, यानी टोटल का भी टोटल ग्रैंड टोटल किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने ग्रैंड टोटल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है।
इसके अगर आप इसे देखना चाहते हैं हमारे लिंक के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप वहां से ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें समझ सकते हैं इसको हमने किस तरीके से किया हुआ है, किस तरीके से हमने ग्रैंड टोटल निकाला है। मैं इस चीज को यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करूंगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इन सभी डेटा को माइनस कर देते हैं यहाँ से इस तरीके से, और हमारा ये ग्रैंड टोटल हमारा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। यानी एप्पल का टोटल हमारा अमाउंट ये रहा, वीवो का टोटल अमाउंट हमारा ये रहा, ओप्पो का टोटल अमाउंट ये रहा, और ग्रैंड टोटल हमारा ये रहा। इसको अगर हम प्लस करके मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर इन सभी एप्पल्स के हमारे पास तीन आइटम है जिनके अलग अलग प्राइस लिस्ट है, अलग अलग क्वांटिटीज है, उनके टोटल प्राइस है, उनका ग्रैंड टोटल यहाँ नीचे हमारा शो अप हो रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, इस डेटा को जब भी मैं यहाँ से सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करके कॉपी करता हूँ और किसी अनदर प्लेस पे ले जाकर के पेस्ट करता हूँ, तो होता क्या कि मेरा वो पूरा का पूरा डेटा यहाँ से कॉपी होकर के पेस्ट हो जा रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा ये डेटा है सिर्फ यही डेटा कॉपी हो और अनदर प्लेस पर पेस्ट हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आपको पहले डेटा को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल जी पर प्रेस करना है, कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद स्पेशल पे जाना और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है विजुअल सेल ओनली, यानी जो डेटा हमारे सामने विजुअल है सिर्फ वही डेटा मुझे चाहिए। इसको सिलेक्ट करके हमें ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब आप कंट्रोल सी प्रेस करना है। कंट्रोल सी प्रेस करते ही आप देखेंगे आपके सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएंगे, और जैसे आप इसे अनदर प्लेस पे ले जाकर के कंट्रोल वी करेंगे तो आपका सिर्फ वही डेटा आपके सामने रिप्रेजेंट होगा जो डेटा आप यहाँ पर चाहते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा वही डेटा रिप्रेजेंट हुआ, इसके अंदर का जो डेटा था ये वाला वो यहाँ पर शो अप नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप विजुअल सेल ओनली का यूज कर सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, वो ऑप्शन है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप यहाँ पर आप हमारे लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वो वीडियो भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आप देखेंगे हमने यहाँ पर कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज की है, तो ये हमें क्या करेगा, उस कंडीशनल फॉर्मेटिंग तक पहुंचा देगा। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखने के लिए कि शीट के अंदर हमने कितनी टाइप्स की कंडीशंस यूज की हैं, तो उसके लिए हम चले जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, यहाँ से चले जाएंगे मैनेज रूल्स के अंदर, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दिस वर्कशीट सेलेक्ट करेंगे, और इस वर्कशीट पे हमने जितनी भी कंडीशंस यूज की होंगी वो सारे फॉर्मूले यहाँ पर हमारे सामने रिप्रेजेंट कर देगा। तो फिलहाल हमने एक ही कंडीशन यहाँ पर यूज की है और मैं उस तक पहुंचना चाहता हूँ, तो उसके लिए और मैं उसे फाइंड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कंट्रोल जी प्रेस करूंगा। कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद स्पेशल पे जाऊंगा और यहाँ पर आप देखेंगे हमारा ऑप्शन आ जाएगा कंडीशनल फॉर्मेट्स का। कंडीशनल फॉर्मेट्स में यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ को ऑल लेते हुए, यहाँ पर ऑल रखते हुए हम सिंपली ओके प्रेस करेंगे। तो ओके प्रेस करते आप देखेंगे इन सभी डेटा के ऊपर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर रखा है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, नेक्स्ट ऑप्शन की ओर हम बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा वो है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का क्या यूज होता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है डेटा वैलिडेशन की मदद से। अगर आपको ये लिस्ट बनानी नहीं आती तो इसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है। इस वीडियो को देखने के लिए आप लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं कि आप किस तरीके से ड्रॉप डाउन बटन क्रिएट कर सकते हैं या डेटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं। तो इस जगह पर जाने के लिए यानी इसे फाइंड करने के लिए हम सिंपली कंट्रोल जी का यूज करेंगे, स्पेशल का यूज करेंगे और यहाँ पर ले लेंगे हम लोग डेटा वैलिडेशन। और डेटा वैलिडेशन लेने के बाद जैसे मैं ओके प्रेस करूंगा तो ये हमें उस सेल तक ले जाकर के पहुंचा देगा। तो गो टू स्पेशल के अंदर आपने देखा कितने सारे ऑप्शंस थे हमारे काम के, तो गो टू स्पेशल का जितना भी ऑप्शन था वो मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो इसके बाद जो बाकी सारे ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। इन ऑप्शंस का क्या क्या यूज किया जाता है, जिसमें आपका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, कमेंट्स मैंने आपको बता दिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने आपको बता दी, कॉन्स्टेंट मैंने बता दिया, डेटा वैलिडेशन मैंने आपको बता दिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का भी मैंने आपको बता दिया, और सिलेक्ट पेन के अंदर एक नया ऑप्शन है। ये बेसिकली क्या काम करता है, ये आपकी जितनी भी पिक्चर्स या जितनी भी इमेजेस होती हैं उन सभी को शो और हाइड करता है। जैसे मान लीजिए अभी हमने इस शीट के ऊपर ड्रॉप डाउन को यूज किया है, इसको जैसे ही मैं क्लोज करूंगा तो ये देखिए ये ड्रॉप डाउन यहाँ से लिस्ट गायब हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग चले जाते हैं अपने ऑब्जेक्ट वाले पेज पर, और यहाँ से अगर मैं इन पिक्चर्स को हाइड करना चाहता हूँ तो आइस को क्लोज करने के बाद ये ऑप्शन यहाँ से हाइड हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ से हाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे हाइड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो एडिटिंग की। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।